Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. As you guys already know, the topic is critical thinking. And I just want to ask one thing from you all. Okay. एक बैट है और एक बॉल है, इसकी टोटल अमाउंट, जिसकी टोटल प्राइस है वो 110 रुपये है, ठीक है? मतलब दोनों के बैट के बाद दोनों के पैसे जो है वो 110 रुपये है, और बैट की जो है ज़्यादा है। अहमद, आपकी आवाज क्लियर। तो मेरी आवाज है अभी? हेलो, मत बोले हैं अब सर आप। मेरी आवाज अभी आ रही है? अभी हेलो, अभी बेहतर है, आपकी आवाज आ रही है। आपको शुरू से बोलना पड़ेगा, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आई थी। आपने कोई क्वेश्चन किया था? अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, मैं अभी पूछ लेता हूँ दोबारा। Okay, so I hope I'm audible now. So, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. I just want to ask one thing, the very common and very very simple question is के एक बैट है, एक बॉल है, दोनों की टोटल प्राइस जो है वो 110 यानी कि 110 रुपए है। तो बैट जो है वो बॉल से 100 रुपए कीमत में ज्यादा है, तो बॉल की कीमत कितनी हुई? जल्दी से आंसर बताना है। प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड टेल मी द आंसर। बोलो हेलो, की कीमत अगर 110 रुपए है तो बैट 100 रुपए का है और बॉल 10 रुपए की। ठीक है। बाकी आप में से और भी कोई बताना चाहता है, जल्दी जल्दी से बताएं, बिकॉज आई वांट एवरीबॉडी टू इंटरैक्ट, एवरीबॉडी टू सेम यही होगा, गेट 10 रुपीज 10 रुपीज। सही है, 100 और 10 का रेशियो। 110 का रेशियो। मैं अपना क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन है कि बैट जो है वो बॉल से 100 रुपए कीमत में ज्यादा है। हेलो, जी, तो इस सवाल का मतलब क्या हो सकता है? मैं आई नो मैं अकाउंट सिखाने नहीं बैठा हूं यहाँ पे, बट लेकिन अगर हम इसको रिफ्रेस करते हैं, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा आपसे पूछता हूं, तो एक दफा गौर करें और गौर करने के बाद मुझे बताएं कि बैट जो है वो 100 रुपये बॉल से कीमत में ज्यादा है और टोटल कीमत है 110 रुपये, तो बॉल की कीमत कितनी हुई? सेम वही 10 रुपीज। चलें इसको थोड़ा सा इवैल्यूएट करते हैं कि अगर बॉल की कीमत है 10 रुपीज और बैट की कीमत है 100 रुपीज, तो बैट बॉल से कितनी रुपए ज्यादा हुआ? हेलो, जी रिपीट करें। अगर बॉल की कीमत 10 रुपीज है, बैट की 100 रुपीज है, तो बैट बॉल से कितने रुपए ज्यादा हुआ? सर, 100 रुपीज 90? अरे, 90 90 रुपीज ज्यादा हुआ। और सर लेकिन जो मेरा आपका पहला वाला क्वेश्चन है, जहां जी तक मैं उसको समझ सका हूँ, आपने कहा कि टोटल दो चीजें हैं, बैट और बॉल, और उनकी टोटल प्राइस जो है वो 110 रुपीज बन रही है। तो बिल्कुल बैट की कीमत जो है वो बॉल की कीमत से 100 रुपये ज्यादा है। तो अब बिल्कुल ऐसे ही कहा मैंने। मुझे लगता है इसमें मल्टीपल चीजें आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम दोनों की कीमत को आपस में डिवाइड कर दें तो 110 की एवरेज निकलती है 55।
सो इस हवाले से अगर बैट की कीमत 100 रुपये बढ़ा दें तो दैट कैन बी 155। और अगर अगर हम इस तरह करें कि टोटल अमाउंट को जहन में रखें 110, और मतलब बैट की कीमत को हम इस पर 100 रुपीज ज्यादा कर दें तो दैट कैन बी 210। मतलब मुझे इस तरह का कुछ समझ में आया है, बिकॉज मुझे लगा है कि थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है इस क्वेश्चन में, इसीलिए ऐसा मुझे लगा है। या लेट्स मेक इट मोर सिंपल, ठीक है, बॉल की कीमत है 5 रुपए, ठीक है, बॉल की कीमत 5 रुपए है और बैट की कीमत है 105 रुपए, सही है। अब ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि मैं यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी कभार, अब ये कैसे हुआ है ये आप खुद ही सोचें, कि बॉल की कीमत अगर 5 रुपए है तो बैट की कीमत उससे 100 रुपए ज्यादा है, ठीक है, अगर बैट की कीमत खुद से 5 रुपए नहीं है, मतलब 100 रुपए ज्यादा, यानी कि 105 रुपए, राइट। अगर हम बॉल को 10 रुपीज और बैट को 100 रुपीज रखते हैं तो ऑब्वियसली बैट जो है वो 90 रुपीज ज्यादा हो रहा है, 100 रुपीज ज्यादा नहीं हो रहा। सो इट्स अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन, इसको आप बाद में आराम से सोचते रहे कि कैसे करना है, लेकिन यहाँ बताने का मकसद क्या है कि कभी कभार बहुत ही सिंपल सी चीजों को हम कॉम्प्लेक्स कर देते हैं और बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीजों को हम बहुत सिंपल वे में करने की कोशिश करते हैं, इट्स जस्ट बिकॉज द क्रिटिकल थिंकिंग जो है, या हमारा जो माइंड है, जो ब्रेन है, वो दो सिस्टम्स पे काम करता है, एक द सिस्टम 1 एंड 2, यू कैन जस्ट इजीली लेबल इट के, सॉरी, ठीक है, सिस्टम 1 जो है हमारा ऑटोमेटिकली बगैर चीजों को इवेल्युएट किए, कैलकुलेट किए आंसर करता है, ठीक है। ये सिंपल सी चीज थी, अगर मैं आपको ऐसा ही कोई क्वेश्चन देता कि 26 मल्टीप्लाई बाय 71, तो आपको सोचना पड़ता है उसके ऊपर कि आखिर क्या जवाब बन सकता है, अगर विदाउट अ कैलकुलेटर आप शायद मैन्युअली करते हो उसे, ठीक है, अपने ब्रेन के अंदर कहीं ना कहीं कैलकुलेशंस करते हो, तो हम अपनी जिंदगी के आम डिसीजंस भी इस किसी ना किसी मतलब इसी बेसिस पे ही ले रहे होते हैं कि उसका जो सिस्टम 1 हम यूज करते हैं, और यूजुअली जो हमारे इमोशंस हैं वो उसके अंदर बीच में आते हैं, कहीं हमारे अपने एक्सपीरियंसेस बीच में आते हैं, और हम चीजों को क्रिटिकली इवेल्युएट या एनालाइज नहीं कर पाते। तो क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए हमारे पास जो जरूरी चीज है वो ये कि एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, या कोई ना कोई एक पैटर्न होना चाहिए, कि अगर हम कोई भी, अगर हम इंडिविजुअली कर रहे हैं कोई चीज को सोच रहे हैं, या हम किसी के साथ मिलके कर रहे हैं, तो सर सारी चीजों में एक पैटर्न होना बहुत जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हम ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक पैटर्न को फॉलो होता हुआ नहीं देख रहे होते, हम अपनी फैमिलीज के अंदर नहीं देख पाते, हम जो है सोसाइटीज के अंदर, पॉलिटिशियंस के अंदर, बहुत, अब जितने भी हम ग्रुप्स की बात करें या कम्युनिटीज की बात करें, ठीक है, जहां पैटर्न फॉलो हो रहा होता है, आप उनको देखें कि एक नज्म जब्त हमें वहां दिखता है, वहां चीजों के अंदर डिसिप्लिन दिखता है, वहां उनकी चीजों में सक्सेस दिखता है, लेकिन जहां चीजों पे हम क्रिटिकली इवेल्युएट नहीं करते, ऑल्दो हमारा मोटिवेशन बहुत हाई है, ऑल्दो हमारा जो एक जो नजरिया है वो बहुत अच्छा है, लेकिन हम परसेप्शन को अच्छे होते हुए, मोटिवेशन को हाई रखते हुए अपने डिसीजंस को अच्छा नहीं कर सकते। डिसीजन को अच्छा करने के लिए हमें साथ बैठना होता है और साथ क्रिटिकली वैल्यूएट करना होता है, सिर्फ बैठना ही काफी नहीं है, क्योंकि बड़ी बड़ी मीटिंग्स के अंदर भी कभी कभार डिसीजन निकल के नहीं आ रहे होते, क्योंकि एक पैटर्न नहीं होता। सो आई वॉन्ट टू नो वॉट इज क्रिटिकल थिंकिंग अकॉर्डिंग टू यू, आपके जहन में क्या है, क्या आता है इस टॉपिक के बारे में आप सोचते हैं, और आपको क्या लगता है कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी जिंदगी में, या हमारे प्रोफेशन के अंदर, हमारी पर्सनल लाइफ के अंदर? नाश्ता मैंने भी लिटरली नहीं किया है, सो आई जस्ट वॉन्ट एवरीबडी टू प्लीज पार्टिसिपेट। आई थिंक क्रिटिकल थिंकिंग इज डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर इसे डिफाइन करना हो तो हम इस तरह से सोच सकते हैं, या मेरे जहन में जो इसकी एक पिक्चर है वो समथिंग लाइक के कोई भी चीज़ है उसके ऊपर कोई भी जजमेंट पास करने से पहले या कोई भी डिसीजन लेने से पहले हम उस सिचुएशन को या प्रॉब्लम को या जो भी सिनेरियो है उसमें चीज़ें एज्यूम करने की बजाय या अंदाजे लगाने की बजाय अगर हम थोड़ा सा रुक कर डिफरेंट पर्सपेक्टिव से उसे ब्रेक डाउन करें, उसके छोटे छोटे पीसेस करते हैं और हर एंगल से उसे इवेल्युएट करें, और उसके बाद अगर कोई डिसीजन लें तो हम कह सकते हैं कि हमने उस चीज़ को क्रिटिकली इवेल्युएट करके फिर कोई डिसीजन लिया है, या हमने क्रिटिकल थिंकिंग
जो है वो अप्लाई की है। सर एम आई ऑडिबल? सर एम आई ऑडिबल? जी जी अच्छा, यू आस्क्ड अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग। तो मेरा ये ख्याल है क्रिटिकल थिंकिंग उस आप समझ लें कि उस प्रोसेस को कहते हैं कि जो किसी भी चीज को या किसी भी इंसान को पहली नजर देखने से आपके माइंड में एक जो स्केच डेवलप होता है कि व्हाई दिस हैज बीन क्रिएटेड एंड हाउ इट हैज बीन क्रिएटेड एंड व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ इट्स क्रिएशन, ये क्रिटिकल थिंकिंग है ऐसा मुझे लगता है। और इंपॉर्टेंस की जहां तक बात है तो मैं समझता हूँ कि क्रिटिकल थिंकिंग बिल्कुल ऐसी ऐसी जिंदगी में खाना पीना उठना बैठना सोना जागना। मतलब ये कि मेरी नज़र में ये कि क्रिटिकल थिंकिंग मतलब ये कि हम कोई भी डिसीजन करने से पहले चीज़ों को फैक्चुअली देख लें, यू नो, बहुत ज़्यादा फैंटेसी में नहीं रहना चाहिए। सही है, हमें फैक्ट्स को देखना चाहिए और अपने एक्सपीरियंसेस अपनी ऑब्जर्वेशंस उसको यूज़ करना चाहिए किसी भी डिसीजन और किसी भी सिचुएशन में। रिएक्ट करने से पहले या डिसीजन लेने से पहले सोचना चाहिए एक्चुअली। तो दिस इज क्रिटिकल थिंकिंग कि आप उसे थोड़ा सा एनालाइज कर लें। आवाज आ रही है क्या? जी आ रही है। मेरे ख्याल में अहमद सर डिस्कनेक्ट हो गए या उनके यहाँ कोई नेटवर्क का इशू। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ और मेरा यहाँ पे माइक अनम्यूट म्यूट हो गया था। मेरी आवाज अभी आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। I'm really sorry for that. Okay. So Miss Nigar, thank you so much, and I know don't know the name of the student agar kisi ne aur ne join kiya tha, and thank you so much Hacha. अच्छा, जहां तक बात है क्रिटिकली थिंक करने की, अभी मिस निगत ने भी कहा कि हम किसी जगह पे फैंटेसी के अंदर रहते हैं, कहीं इमेजिनेशन के अंदर रहते हैं, और कहीं स्टेप्स की बात हुई है कि स्टेप्स को ब्रेक डाउन करना होता है, तो जरूर ऐसा ही है। क्योंकि हम कभी भी किसी, क्योंकि जैसे टॉपिक से ही जाहिर हो रहा है कि हम किसी भी टॉपिक को, किसी भी बात को क्रिटिकली एनालाइज करना, इवैल्यूएट करना, और क्रिटिकली इवैल्यूएट करने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि उस चीज के बारे में फैक्ट्स जो है हमें पता हो, क्योंकि जो थिंकिंग है हमारी वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, और क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं सोचता, हर इंसान की सोच अलग होती है, एक ही चीज को, एक ही बात को लेके दो मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ राय हो सकती हैं, और हम अपनी थिंकिंग को एक जगह पे लेके आना, दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग। अब ऑब्वियसली एक चीज किसी के लिए सही है, दूसरी चीज किसी के लिए सही नहीं है, लेकिन अब ये बात कौन बताएगा कि ये सही है या नहीं, ये बात हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी अगर हम देखते हैं तो जहां कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस आते हैं, कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करो, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व जब ही हो सकता है जब हम क्रिटिकली इवेल्युएट करते हैं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हमेशा एक बात का प्रोसेस है, ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें क्रिटिकली थिंक करना, ताकि ये समझ आ सके कि सही चीज क्या है और गलत क्या है। क्रिटिकल थिंकिंग हमारे अपने रिलेशंस के अंदर, हमारे ऑफिस डेकोरम के अंदर, हमारी पर्सनल लाइफ, और हम बात कर सकते हैं अगर सोशल लाइफ के अंदर भी, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर हम कोई भी डिसीजंस देखते हैं जहां पे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं ले पा रही होती, वहां हम एक्सट्रीमिस्ट लोगों को भी देखते हैं और वो एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करते हैं, और फिर जाहिर सी बात है वहां कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ग्रुप्स बनते हैं, और लोग एक दूसरे के लिए कीना रखते हैं। तो ये चीज सिर्फ इसीलिए होती है कि हम सही और गलत को सही से इवैल्यूएट नहीं करते, ठीक है। अब सही और गलत क्या हो सकता है वो उस टीम पर डिपेंड करता है कि वो उस चीज को क्या सही समझ रही है या गलत, लेकिन
जो क्रिटिकली अगर इवैल्यूएट करना है तो उसमें जो चार मेन बैरियर्स आते हैं किसी भी इंसान के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दैट इज, अगर मैं उसको सीक्वेंस वाइज बताऊं कि एक होता है ईगो। ईगो के अंदर हम इसको हम कहते हैं कि ईगो सेंट्रिज्म कहते हैं, कि जहां पे एक इंसान, उसको पता है कि वो गलत है लेकिन वहां उसका ईगो हर्ट करता है, वहां इसको ईगो पता, उसको होता है कि नहीं मैं गलत नहीं हो सकता, लेकिन उसे पता है कि उसने गलती की। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट ना करना इज ऑब्वियसली ईगो। ईगो बीच में आता है तो फिर इंसान जो है वो इतना ज्यादा डिसीजन नहीं ले पाता सही से। एक होता है सोशियो सेंट्रिज्म, यानी कि यहाँ जहाँ पे कोई ऐसे ग्रुप है या ग्रुप ऑफ पीपल की बात करें जिन्होंने एक स्टेप लिया हो और उस स्टेप को चैलेंज करने के लिए सामने काउंटर में कोई एक मजबूत दलील रखता हो, लेकिन आप उस एक, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मैं हूं, मेरे घर वाले जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, जब मेरे घर वाले सही कह रहे हैं भले वो गलत हो, मेरा ये थॉट है या मेरा ये जहन है कि मेरे घर वाले सही कह रहे हैं, तो मैं ऑब्वियसली एक डिसीजन पे नहीं पहुंच सकूंगा, ऑल दो अगर वो गलत भी हो सकते हैं या मेरे दोस्त गलत हैं, लेकिन मैं उनकी साइड ले रहा हूँ। द थर्ड थिंग इज विशफुल थिंकिंग। विशफुल थिंकिंग इज के जैसे बात हुई फैंटेसी की, ठीक है, हम रियलिटी को नहीं देखना चाहते, हम इमेजिनेशन में हम घूमना चाहते हैं, और ये चीजें अक्सर लोगों के करियर्स के अंदर आती है। ये अक्सर क्योंकि हमें, जब भी हम कोई चीज चूज करते हैं, चाहे वो करियर हो, चाहे वो एक ऑफिस हो, चाहे वो एक पार्टनर हो या दोस्त हो, हम अगर क्रिटिकली एवेल्युएट करें तो हम हमें शायद अपने अंदर भी कुछ खामियां दिखें, कुछ खूबियां दिखें, जिसको सोचते हुए हम एक बेहतर डिसीजन ले सके। लेकिन कहीं कहीं, क्योंकि इमेजिनेशन में हर कोई सुपर हीरो है, तो इमेजिनेशन में तो सभी अच्छे हैं अपने लिए और हर कोई अच्छा ही चाहता है, ठीक है, तो जब अच्छा चाहता है और वो उसी पे अड़ा रहेगा तो एक डिसीजन लेके वो एक प्रॉपर किसी बात पे नहीं पहुंच सकेगा, ठीक है। ऐसे ही विशफुल थिंकिंग, एंड द फोर्थ इज के अवेयरनेस ना होना किसी भी चीज की। अगर अवेयरनेस नहीं है, आप भले आपकी विशफुल थिंकिंग नहीं है, आप इतने इगोइस्टिक नहीं है, लेकिन अगर आपके पास अवेयरनेस नहीं है देन यू आर नॉट एबल टू टेक द डिसीजंस, ठीक है। अब ये एक ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इंसान के अंदर, अगर उसे एक अच्छा डिसीजन लेना है तो ये नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ईगो है, अगर हम बायस्ड हैं ग्रुप के ऊपर, अगर हम अवेयर नहीं है और हम विशफुल थिंकर हैं और हम इमेजिनेशन में रहते हैं, तो हम किसी भी अच्छे डिसीजन पे नहीं जा सकेंगे। हम सिर्फ वही ख्याल बनाते रहेंगे जो हमें लगता है कि सही है, लेकिन क्रिटिकली उसके पॉसिबिलिटीज, उसकी रियलिटी चेक्स हमें नहीं पता होता है। तो इसके लिए हम एक छोटी सी एक एक्टिविटी करते हैं, मैं चाहूंगा आप सब इसके अंदर प्लीज पार्टिसिपेट करें, और ताकि हम इसके ऊपर माइंड मैपिंग करें थोड़ी सी, और एक प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की यहाँ कोशिश कर सकते हैं या एक बेहतर डिसीजन पे जा सकते हैं। मैं चाहूंगा कि सब पार्टिसिपेट करें इसके अंदर। शबीर, कैन यू प्लीज टेल मी के हाउ मेनी मेंबर्स वी हैव इन द ग्रुप इन द मीटिंग? हेलो, 16 मेंबर्स 16, ओके। सो ऑल द पीपल आर फ्रॉम नई सुबह, लाइक के सारा ही स्टाफ है, और या फिर हमारे पास दूसरे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं? नहीं, हमारे पास स्टूडेंट्स हैं और कुछ स्टाफ है, स्टाफ पूरा नहीं है हमारे पास। स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, इफ इज इट पॉसिबल टू काउंट? थिंक 6 to 7 स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। 6 to 7, मेरे सामने 15 पार्टिसिपेंट्स हैं। अगर हम आपको हटाते हैं और मुझे हटाते हैं तो तकरीबन हम 12 to 13 हो जाएंगे। तो हम ठीक है, सही है, हम एक एक्टिविटी करेंगे यहाँ पे एक छोटी सी। उस एक्टिविटी को करने से पहले मुझे आप सबसे ये जानना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर हेयर फ्रॉम द पर्सन विथ विजुअल इम्पेयरमेंट, एंड और द अदर पीपल आर कनेक्टेड विद आर ऑर्गेनाइजेशन एंड दे नो अ लॉट ऑफ थिंग्स बेटर। तो अब यहाँ एक प्रॉब्लम को हम हाईलाइट करते हैं, उस प्रॉब्लम को मैं आपसे सजेशन लेना चाहता हूँ कि एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को
2024 के अंदर जहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो चुकी है, जहाँ एजुकेशन की इतनी अवेयरनेस हो गई, एम्प्लॉयमेंट की भी हो गई है, टिल नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम द वीआई इज फेसिंग इन पाकिस्तान? लैक ऑफ इंक्लूजन, लैक ऑफ इंक्लूजन, ओके, एनीबडी एल्स? क्योंकि मैं चाहता हूँ वोट्स हो जाएं किसी एक प्रॉब्लम को लेकर. सर अवेयरनेस बहुत है लेकिन लैक ऑफ फैसिलिटीज, फैसिलिटीज वैसे ही मौजूद है लेकिन सारी बात है पहुंची नहीं हुई हम तक। लैक ऑफ फैसिलिटीज हैं, लेकिन मतलब फैसिलिटीज हैं लेकिन हम तक नहीं पहुंची हैं. ओके, थर्ड थिंग, अच्छा काइंडली बताइएगा कि एक मेंबर को एक ही चीज बताना अलाउड है या क्विक सक्सेशन में तीन चार चीजें गिनवाई जा सकती हैं? आप बता दें एक दो और, कोई मसला नहीं. ओके, एंड वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज द हिंड्रेंस, चाहे वो गवर्नमेंटल लेवल पर प्रोसेसेस हों या हमारे ओवरऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के प्रोसेसेस हों, मतलब रेड टेपिज्म भी आप इसको कह सकते हैं, और ये हमारी सिर्फ दफ्तरी मतलब लाइन में नहीं है, हमारी पर्सनल लाइफ में भी ये बहुत ज्यादा है। हर फैसिलिटी इतने मुश्किल से मिलती है अगर मिले भी। सही है. बाकी मैं कोई बताना चाहेंगे? मिस आबदा हैं आई थिंक, बाकी हमारे यही कह रही हूँ, साकिब हैं. एक्सेसिबिलिटी का इशू ही है, चीजें तो हैं लेकिन एक्सेसिबल नहीं है वीआईएस के लिए ना, सही है, जैसे एक्सेसिबिलिटी का इशू. सड़कों की बात करें जी तो भी है, ठीक है, आजकल काफी चीजें हमारे आसान हो गई हैं, टॉकबैक और मोबाइल की जो भी सॉफ्टवेयर थे थ्रू, लेकिन फिर बच्चों को भी वो नॉलेज हो, वो एक्सेसिबल चीजें हो उनके पास, ठीक है, अगर मोबाइल फोन उनके पास है वो भी इतना एक्सेसिबल नहीं कि वो कुछ बेसिक चीजें भी वहां से अपने वो अपनी चीजों को आसान कर सके, तो मेरे ख्याल में बेसिकली इनके पास एक्सेसिबिलिटी का इशू है। कुछ फैमिली की तरफ से भी मसले मसाइल होते हैं बच्चों के, तो बहुत सारी चीजें के सुनने के बहुत। अवेयरनेस जो है फैमिली की तरफ से भी और जो फैमिली सपोर्ट है वो भी कम नजर आती है। बाद दफा फैमिली उन बच्चों के लिए, उनको पता ही नहीं होता कि उनके बच्चों के लिए क्या चीजें हैं मौजूद, तो या कहीं पर पता भी है तो वो इतना लैक ऑफ इंटरेस्ट भी कभी कभी फील होता है कि इस चीज को बच्चों के लिए यानी आसान बनाने में इतना सपोर्टिव सिस्टम बच्चों को नहीं मिल रहा होता अपने फैमिली की तरफ से भी। फैमिली अवेयरनेस का भी एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि जाहिर सी बात है कहीं फैमिली अगर सपोर्टिव नहीं है तो भले सारी चीजें एक्सेसिबल भी हों तो भी फायदा नहीं करेंगी. बिल्कुल सही बात है. जी मैं एक मिस निकत, आई वांट वन फेवर फ्रॉम यू, अगर आपके लिए पॉसिबल है, कि जी वो ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि 6 ग्रुप्स हम इसके अंदर बनाएं, इस मीटिंग के अंदर वो 6 ग्रुप्स जो हैं, अगर आप प्लीज उनको अनाउंस कर दें, जिसमें ऐसा हो कि भले जो एम्प्लॉयज हैं हमारे वो एक जगह हो जाएं, ताकि वो ऑफलाइन या मीटिंग से हट के वो जाके एक साथ ज्वाइन करें और डिस्कस करें कुछ चीजें, फिर देन दे कैन कम बैक. ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के पास एक एक दूसरे के नंबर नहीं होंगे, तो हम स्टूडेंट्स को इसी मीटिंग के अंदर हम रख सकते हैं. अच्छा ठीक तो एक, है, ठीक अगर आप ये फेवर करें तो 6 ग्रुप्स बना दें, एक्सक्लूडिंग यू, एक्सक्लूडिंग शब्बीर एंड एक्सक्लूडिंग मी. ओके, अच्छा ठीक है. लेट मी चेक दी पार्टिसिपेंट्स। ये टोटली तो यहाँ पे 16 शो हो रहा है, तो 6 ग्रुप्स कैसे नहीं, बनेंगे? हमारे पास अगर हम इन 3 को एक्सक्लूड कर लें तो हमारे पास 12 लोग हो रहे हैं, तो हम टू टू को पेयर अप कर सकते हैं. ठीक यहाँ पे पेयर्स बनेंगे। है, तो बस मैं फिर रैंडम मेरे पास जो भी लिस्ट में नाम आ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हम स्टाफ को पेयर अप कर लें और स्टूडेंट टू स्टूडेंट पेयर अप कर लें, ऐसा? नहीं, स्टूडेंट्स को पेयर अप नहीं करना, स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो यहीं पे रहेंगे इस मीटिंग नहीं, आई में। मीन वो टू टू के पेयर बना लेते तो 6 ग्रुप बन जाएंगे, तो हम उसमें जी, कॉम्बिनेशन अंदर क्या रखें, स्टूडेंट टू स्टूडेंट रखें या स्टाफ नहीं के साथ रखें वो सिर्फ उनको? टीम मेंबर्स नहीं, होंगे। आप टीम मेंबर्स की रख लें, इट्स फाइन, क्योंकि हर किसी का अपना एक थॉट प्रोसेस होगा, एट द एंड हम उस चीज को करें होंगे. तो या 5 ग्रुप्स बना दें, ठीक है मिस निगत, अपने आपको
मुझे और शब्बीर को अनम को हटा के, ठीक है, 5 ग्रुप्स बनाते हैं। अच्छा ओके ठीक है, एक मिस आपदा और आयशा आप एक ग्रुप बन जाएं। ओके देन अली और सलीम आप एक ग्रुप बन जाएं। ओके ओके सिजरा एंड हाजरा यू प्लीज केयर अप। ओके श्योर। ओके मिस स्टाफ से बचे हैं हमारे पास स्टाफ में से, लेकिन उनके साथ कोई स्टाफ मुझे नहीं पेयर अप होता हुआ दिख रहा किसी आई थिंक शायद स्टूडेंट के साथ। सलमान खालिद भी शायद थे मेरे ख्याल से मीटिंग में। हाँ साकिब आप सलमान खालिद को जरा कॉल करें, हो सकता है वो अभी दोबारा ज्वाइन करने में विलिंग हो, तो आप उनके साथ पेयर अच्छा सो व्हाट वी अप। कैन मैम आई डू हियर। ऑडिबल? हेलो जी एम आई ऑडिबल हेलो मैम? जी। ओके सॉरी मैम, अगर मेरा नाम कॉल किया गया है फॉर द ग्रुप डिस्कशन या कुछ भी, तो सॉरी आई वाज क्वाइट अवे फॉर 2 to 3 मिनट्स अभी आपका नाउ। नहीं है। हम ओके स्टूडेंट्स थैंक के यू। भी ग्रुप बना दें अगर वो आपस में मतलब लाइक चैट पे डिस्कशन करना चाहें, कोई अहमद इज इट पॉसिबल? देखें स्टूडेंट्स का बन तो सकता है मैम, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अगर उनके नंबर्स आपके पास हैं आप ज्वाइन करवा सकते हैं उन्हें, तो फिर आप कर लें। मैं ऐसे भी उसके मतलब लिए कि कह रहा था दो कि स्टूडेंट अगर एक दूसरे को जानते हैं एंड वो आपस में डिस्कशन कर सकते हैं ऑफलाइन, तो वो जरा खुद वॉलंटियरली बता दें। और हम यहाँ पर हमारे पास जो बच्चे हैं उनमें है अलीना बनी, अली फरहाद, अरहम एंड हसन कामरान, और एक है उस्मान। तो आप लोग के पास एक दूसरे में किसी का नंबर है तो आप लोग खुद बता दीजिए। नहीं मैम, एज पर तो माय इंफॉर्मेशन मेरे पास किसी का कांटेक्ट नहीं है, अलबत्ता आई एम विलिंग टू डिस्कस जो भी मतलब करना चाहे। ओके साकिब आप अहमद खाल सलमान खाले से जरा कांटेक्ट कीजिए प्लीज। जी जी मैं बिल्कुल कर लेता हूँ। या आपकी ऑडियो टीम कहाँ है, जरा उनको भी कहिए ज्वाइन करें सेशन। मैं बोल देता हूँ उनको भी कि वो अभी तक क्यों नहीं है। आई थिंक जो ग्रुप्स हमारे बन सकते हैं फिलहाल हम उनको इंगेज करते हैं, बाकी हम जो है फिर बाकी ग्रुपिंग हम कर लेंगे। हेलो जी जी हेलो, भैया बताइए। मैं कह रहा हूँ जो ग्रुप्स हमारे बन चुके हैं अगर हम उनको इंगेज करना शुरू कर दें तो हमारे लिए बाकी चीजें आसान हो जाएंगी। तो मिस आयशा और मिस आबदा, अली एंड जी सलीम पंडित, सिद्रा एंड हाजरा, सलमान खालिद एंड साकिब। साकिब आपका कांटेक्ट हो गया सलमान खालिद से? अभी हमारे साथ हमाद सर और शयान ने भी ज्वाइन किया, अगर हम हमाद सर और शयान को भी पेयर अप कर लें। बिल्कुल उनको ही पेयर अप कर लें। ठीक है तो हम फिर एक काम करते हैं, एक छोटा सा मैं आपको लेट मी फ्रेज द होल सिनेरियो एंड होल थ्योरी के किसी भी प्रॉब्लम। अभी हमारे पास एक प्रॉब्लम अगर हम से उठाते हैं जो हमने मेजोरिटी ने कहा दैट्स द प्रॉब्लम इज एक्सेसिबिलिटी। ठीक है एक्सेसिबिलिटी ऑफ पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट, तो एक्सेसिबिलिटीज को अगर हमें करना है उसे बूस्टअप करना है तो एक्सेसिबिलिटीज के लिए हम क्या करेंगे, हमें क्रिटिकली अब अलग अलग ग्रुप जो है अलग अलग पेयर जो है वो अलग अलग पॉइंट्स को नोट डाउन करेगा या अपने अब टाइम ले और उस पर डिस्कस करे। ऑल द पीपल हैव 5 मिनट्स या ऑल द पेयर्स हैव 5 मिनट्स ओनली और उस 5 मिनट के अंदर व्हाट यू गाइस हैव टू डू। ठीक है हमारे पास 6 हैट्स हैं, 6
कहते हैं कैप्स हैं, यानी कि हैट्स आप कह लें. सो वी हैव सिक्स थिंकिंग हैट्स, और सिक्स थिंकिंग हैट्स के अंदर द फर्स्ट हैट इज वाइट हैट, और वाइट हैट के अंदर हमें क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन लिखनी है दैट व्हाट वी हैव राइट नाउ. ठीक है, हमें सिर्फ फैक्ट्स लिखने हैं, हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन वो लिखनी है कि एक्सेसिबिलिटी और द रिसोर्स मटेरियल और द रिसोर्सेज फॉर द पर्सन विद विजुअल इंपेयरमेंट व्हाट वी हैव राइट नाउ. तो हमें सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन अभी नोट डाउन करनी है. सेकंड थिंग, द सेकंड हैट इज रेड हैट. रेड हैट के अंदर हमें सिर्फ ये बताना है कि अगर ये रिसोर्सेज नहीं है तो हमारे इमोशंस या गट फीलिंग हमारी क्या है. ठीक है, और इसके अलावा अगर ये रिसोर्सेज होते हैं तो हमारे इमोशंस किस तरह के होंगे. हमारे सिर्फ इमोशंस, फीलिंग्स, गट फीलिंग के बारे में हमें रेड हैट में बताना है. द थर्ड इज ब्लैक हैट. ब्लैक हैट में वी जस्ट हैव टू हेलो हेलो, मेरी आवाज आप सबको क्लियर है ना? ठीक है जी. एंड द ब्लैक हैट इज ऑल अबाउट टू नो द रिस्क्स एंड नो द बैरियर्स एंड द ऑब्स्टिकल्स एंड द यू कैन से जो रुकावटें हमें मिलती हैं, जो भी हमें बैरियर्स हमें मिलते हैं, वो ब्लैक हैट में हमें बताने हैं कि अगर ये एक्सेसिबल टूल्स होंगे तो इसमें हमें क्या क्या बैरियर्स आ सकते हैं. ठीक है, येलो हैट में ये है कि अगर ये रिसोर्स मटीरियल हो, क्योंकि येलो हैट ये है कि अगर रिसोर्स मटेरियल हो, क्योंकि येलो इज अ साइन ऑफ अ सनशाइन, और सनशाइन का मतलब होता है ऑप्टिमिज्म एंड पॉजिटिविटी. सो पॉजिटिविटी के अंदर व्हाट वी हैव टू डू कि अगर ये रिसोर्स मटेरियल हो तो हमारे लिए कितनी ज्यादा चीजें पॉजिटिव हो सकती हैं, ये हमारे लिए क्यों पॉजिटिव होगा, हमारे लिए कितना कारामत होगा. ठीक है, मैंने कितने हैट्स की बात की है, व्हाइट, रेड, ब्लैक, येलो एंड द ग्रीन. ग्रीन हैट इज ऑल अबाउट ग्रीन, जैसे कि कलर होता है नेचर का, तो इसमें हम कोशिश करते हैं चीजों को सॉल्व करने की. तो ग्रीन हैट इज के अगर हमारे पास रिसोर्स मटेरियल नहीं है तो इसका ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं, हमारे पास एक्सेसिबिलिटीज नहीं है तो इसका ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं, हमारे पास इसके और क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, क्या सब्स्टिट्यूट्स हो सकते हैं, ये ग्रीन हैट में हमें बताना है. एंड द ब्लू हैट इज द मास्टर हैट हु इज गोइंग टू लीड ऑल द हैट्स एंड गिव अ ब्रीफ समरी and a conclusion that what other hats has discussed right now. तो अभी करना क्या है कि ब्लू हैट जो मैं दे रहा हूँ, ब्लू हैट के अंदर मैं तीन लोगों को रख रहा हूँ. ठीक है, वो तीन लोग हैं मिस निगत, अनम तारिक एंड आई थिंक ये शब्बीर, सॉरी या. तो ये थ्री हैट्स जो है मैं ये ब्लू हैट जो है मैं इन तीन लोगों को दे रहा हूँ. बाकी मैं चाहूंगा मिस निगत कि आप बाकी हैट्स जो हैं बाकी लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ताकि उनको अब उनके पास जैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, आपके पास जैसी हैट्स मिल जाएं, तो अब करना है क्या, यू कैन गाइज जस्ट लीव द मीटिंग, डिस्कस विद ईच अदर उस हैट के अकॉर्डिंग, यानी कि जो मैंने आपको उसके फीचर्स बताए उसके सारे पॉइंट्स नोट करने और वापस आना है इन जस्ट 5 मिनट्स. अहमद, जस्ट एक रिक्वेस्ट है कि व्हाइट और रेड हेड की जरा दोबारा से फीचर्स बता दीजिए. मैं जरूर बता दे रहा हूँ. मैं एक काम ये कर रहा हूँ कि पहले रेड जितने भी हैट्स हैं वो सबके पास चले जाएं, ताकि मैं उसके बाद दोबारा बता दूं और सबको फिर अपने अपने हैट का पता हो कि मेरे हैट के अंदर ये सारे फीचर्स हैं. मैम मिस निगत, इफ यू कैन हेल्प मी. ठीक है, अभी हमने एक पेयर बनाया था हाजरा और सिद्रा का, तो मैं खास कर इनको येलो हेड दे देते हैं. ठीक है, ओके मैम, ठीक है, ओके. उसके बाद आपकी आवाज बहुत स्लो आई है, दोबारा बोलिएगा. मेरी आवाज क्लियर नहीं है क्या? नहीं, स्लो आई थी. अच्छा, मैं कह रही हूँ हाजरा एंड सिद्रा को हम दे रहे हैं येलो हेड. अच्छा साकिब, आपके साथ फिर शायान को पेयर अप कर देते हैं. ठीक है, मेरी सलमान सर के साथ बात नहीं हो पाई अभी तक. शायान, शायान आ गए हैं. ठीक है, यू पेयर अप विद शायान. ओके, ठीक है, इनको हम रेड है ना हमारे पास एक हेड. जी जी, रेड. ठीक है, इसके अलावा
से हमारे पास है सलीम ताहिर और अली को शायद पेयर अप किया था हमने, राइट? यस वाइट वाइट दे रहे हैं, ठीक है। अहमद अहमद अभी जी वाइट मैम रेड और येलो हो गई है डिस्ट्रीब्यूट। अभी सही, दोबारा मुझे कलर्स बताइए कौन से कलर ब्लैक बचे हैं। ब्लैक एंड ग्रीन, अच्छा ग्रीन ओके। आबिदा और आबिदा आपके साथ कौन था? आयशा थी। अच्छा आयशा एंड आबिदा ग्रीन और ब्लैक, कौन सा कलर ले? चलो ब्लैक दे, ब्लैक दे बिल्कुल, ठीक है। माइकल जैक्सन पहनता था। और हाँ हरी टोपी किसको चाहिए प्लीज? मेरे ख्याल से हमारे पास स्टाफ कंप्लीट हो गए हैं, हम बच्चों में से एक एक आप ग्रुप ले लें, अगर बिल्कुल ले लें स्टूडेंट प्लीज स्टूडेंट, लेकिन आप लोग कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे? या तो कोई एक दूसरे से नंबर मैम, शेयर इनको कर हम लें? इसी इसी मीटिंग के अंदर ही रखेंगे, बाकी सब लीव करते हैं, मसला नहीं है, हम अच्छा इसी ओके मीटिंग में ओके, फिर हम रहेंगे। अरहम को ले लेते हैं। अरहम आप विलिंग से ना, बाकी स्टूडेंट्स यहीं पे रहे हैं, सबको हम इंगेज कर लेते हैं, बाकी सब चले हैं जिनके भी पेयर्स बनाए अरहम तो ने आसानी हो किसने अपनी जाएगी। विलिंगनेस शो की थी? जितने आई भी थिंक अरहम स्टूडेंट्स हैं ना ने। बाकी बचे हैं उन सबको ही ग्रीन दे देते, क्योंकि वो हमारे साथ इसी मीटिंग पे डिस्कस करेंगे हमारे सामने। हाँ सही है, नहीं बाकी बच्चों के पास फिर सही ग्रीन है, है, ऐसे कर लें ठीक क्योंकि है बिल्कुल। वो तो सर अहमद अभी हमारा था रेड हेड, रेड हेड ना, तो उसमें था इमोशंस और फीलिंग्स, मैं तो बहुत इसको आप सिंपल तरीके से बता रहा हूँ ताकि सबको हेड्स का अब याद हो जाए। व्हाइट हेड इज द कलर ऑफ द प्योरिटी, आप समझे बिल्कुल सफेद, तो इसमें आपने कुछ और नहीं करना, सिर्फ इंफॉर्मेशन लिखनी है, फैक्ट्स बताने। रेड हेड, रेड इज अ कलर ऑफ लाइक लव, तो लव एंड इमोशन फीलिंग्स गट फीलिंग, तो ये रेड हेड के पास होगा। ब्लैक, ब्लैक जैसे आपको पता है सिया रंग, तो सिया जो है वो होता है कि आप नेगेटिव पर्सपेक्टिव को नहीं, लेकिन चैलेंजिंग पर्सपेक्टिव को हमें नोट डाउन करना है कि ऐसा कौन सा काम है जो कि ऑब्स्टिकल बन सकता है, जो कि रिस्क बन सकता है फाइनेंशियली इंफ्रास्ट्रक्चरली, या फिर हम बात कर सकते हैं इकोनॉमिकली, या अवेयरनेस के तौर पे जो भी हमारे पास बैरियर्स हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, वो ब्लैक हैट। येलो इज द कलर ऑफ सनशाइन, तो येलो इज ऑल अबाउट ऑप्टिमिज्म पॉजिटिविटी, इफ वी हैव द एक्सेसिबिलिटी व्हाट वुड बी द पॉजिटिव नोट्स, सो वी वुड टेक ऑन दैट। ग्रीन, ग्रीन इज द कलर ऑफ नेचर, सो इट इज ऑल अबाउट टू ऑल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट्स, इसके अगर ये चीज नहीं है तो उसको सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, ऑल्टरनेट क्या हो सकता है, मॉडिफिकेशन क्या हो सकती है, ठीक है, तो ग्रीन इज दैट। एंड द ब्लू इज, ब्लू जैसे स्काई का कलर है, तो इसको इट इज द इट हेल्प्स अस टू सी द थिंग्स ऑन अ वाइटल लेवल, ऑन अ वाइटल एंगल, यानी कि अगर लेंस अपना हम बड़ा करते हैं तो हम बाकी सारे हैट्स को हम ऊपर से देख के उन सारी चीजों का एक समरी, एक कंक्लूजन हम दें, ठीक है। तो अब मैंने सारे हैट्स के फीचर्स बता दिए, योर टाइम टाइम स्टार्ट्स नाउ, जस्ट लीव द मीटिंग एंड ज्वाइन विद योर पार्टनर एंड देन कम बैक इन जस्ट 5 मिनट्स डिस्कशन। राकेश कॉल मी, अहमद हमें भी लीव करना है ना? ब्लू हैट में मैम लीव करना है या आपका ग्रीन हैट यह है के साथ कि कर सकते आपको तो रुकना पड़ेगा, एक तो हैं? यह है कि मैं चाहूंगा अनम जो है वो स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं ऑल्टरनेटिव्स के अंदर हेल्प करें, दूसरा ये कि जब ये सब आके अपनी प्रेजेंटेशन देंगे ना, तो उसमें आप लोगों के पॉइंट्स क्या बनते हैं, वो मतलब आप लोग किस तरह से उस कंक्लूड करेंगे, ये अच्छा एक बात है कंक्लूजन करना है। जी, आप लोगों ने कंक्लूड करना है, एक डिसीजन लेना है कि एक्सेसिबिलिटीज, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये चीजें हमारे पास सामने आती हैं, ये ट्रेनिंग बहुत लंबी होती है जब हम करवाते हैं, ऑब्वियसली टाइम शॉर्ट है, लेकिन अगर ये चीजें हमारे सामने आती हैं तो हम इस पे और थोड़ा क्रिटिकली इवेल्युएट करके वी कैन टेक द डिसीजन एंड वी कैन सी दैट हाउ नहीं सुबह कैन टेक द इट एक्शंस ऑन इट। सो आई एम म्यूटिंग माई सेल्फ हियर एंड इफ यू गाइज वॉन्ट टू डिस्कस एनी थिंग, एंड स्टूडेंट्स को भी मैं कहूंगा प्लीज आप सलाम स्टार्ट कर दें वालेकुम। अपना डिस्कशन, तो प्लीज उसके बाद तलहा को प्लीज आप अगर कहीं इंडक्ट करना चाहें तो। बधा ने अभी ज्वाइन किया है। तो मिस यहाँ पे हमारे साथ अब सिर्फ स्टूडेंट्स ही रह गए ना पहला के अलावा। तो स्टूडेंट्स तल्हा को किसी आपके के पास साथ पेयर अप कर दें? हाँ जो हमने बाकी के हेड्स डिवाइड किए उनमें से किसी के साथ बोलने जाने के लिए।
तन्हा या तो अपनी टीम को ज्वाइन कर लें या फिर सलीम या उनकी कर लें। आप बताना, वो खुद नहीं सोचे, अपनी मर्जी नहीं कर मुझे ग्रुप बता तन्हा दें कौन आप कौन से हैं, मैं फिर उनमें से किसी के साथ चले जाता यहाँ हूँ। नहीं आपकी पर एक्चुअली आपने लेट ज्वाइन किया है। कुछ हेड्स का जिक्र हुआ था और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया था कि हर हेड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और लोगों को असाइन हुई है। ठीक है, आपको हम आप ज्वाइन कीजिए अली और सलीम ताहिर की टीम को। सही है, उनसे ऑफलाइन हुई है और उनको उनके साथ ज्वाइन कीजिए। आप कॉल करके एक कॉन्फ्रेंस कॉल कर लें आप लोग। ठीक है, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स भी उनको हमने दी है। कौन सी है? व्हाइट हेड। वाइट है। ठीक है, क्वेश्चन जरा रिपीट कर दें तलहा के लिए अगर अहमद आप। अहमद अहमद को आवाज आ रही है? जी जी मुझे आ रही है अहमद मैम, प्लीज आप रिपीट करेंगे, मेरा एक्चुअली मैं कह नेट रही थी कि इशू हो रहा तलहा है। को, मैं पेयर अप करना चाह रही थी अली और सलीम ताहिर के साथ। मैम कर तो दे बिल्कुल, व्हाइट हेड लेट्स है टोटली उनकी, अप टू यू। व्हाइट हेड है व्हाइट उनकी। एक दफा तलहा को बता दें क्या क्वेश्चन, क्या सिचुएशन है। व्हाइट हैट है, और व्हाइट हैट का ये है कि वो उन्होंने सिर्फ जो एक्सेसिबिलिटीज हैं पाकिस्तान के अंदर पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट को लेके, जो एक्सेसिबिलिटीज और रिसोर्सेज हैं उसके, और आपके पास अगर व्हाइट हैट हो तो व्हाइट हैट में हमें सिर्फ ये करना होता है कि हमें अभी ये इन्फॉर्मेशन लिखनी है कि, या बतानी है कि कौन सी चीजें हमारे पास फिलहाल अवेलेबल हैं और क्या इसके फैक्ट्स हैं। मतलब कि अभी इसके ऊपर मजीद कोई डिस्कशन नहीं, सिर्फ ये बताना है कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं है और क्या अच्छा, होना चाहिए। लिहाजा ये फिर इतना वो नहीं है इसमें, तो सलीम और अली इसको कर लेंगे। हम थोड़ा और जो वैसी वाली थी मैं चाह रहा हूँ ग्रीन के अंदर इनको हो, हम, क्योंकि ग्रीन में ना देखें हाँ ग्रीन का काम, ग्रीन हैट जो है वो क्रिएटिविटी है, और ग्रीन हैट में हमारे अच्छा पास स्टूडेंट्स हैं ज्यादातर, तो मैं चाहूंगा कि वहां पे कोई एक इंडक्ट हो जाए ताकि उन्हें वो ठीक सपोर्ट भी मिल सके है, और हमारे। तला आप यहीं रहिए, बच्चों के साथ ही रहिए। यहाँ पर ग्रीन हेड का मतलब ये कि वो ऑल्टरनेटिव इसमें ढूंढे कि क्या मजीद मॉडिफिकेशन हो सकती है, क्या ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं इस सिचुएशन में। आपको कुछ चीजें क्लियर हो रही हैं? आप यू जस्ट ज्वाइंड, आप अभी ब्लाइंड तो नहीं है? बता दें तला, अगर इफ यू वॉन्ट टू हैव अ क्लैरिटी ऑन इट आप बता दें। मिस कुछ चीजें समझ में आ गई हैं, बाकी हमने डिस्कस करना है ना, तो बाकी वो कहाँ हैं स्टूडेंट्स जो डिस्कस कर रहे हैं ग्रीन वाले दिन? वो इसी मीटिंग में सभी डिस्कस ऑनलाइन है करेंगे, तो मीटिंग। करेंगे अभी। तो आप लोग करें तो डिस्कशन ग्रीन हैट्स और हम आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं माइक को अनम्यूट करके। कुछ समझ और नहीं आया इसमें तो हर ये मैं बच्चे पूछ भी सकती हूँ। का अपना एक एक कंट्रीब्यूशन जरूर हो, ऐसा ना हो कोई बिल्कुल साइलेंट हो, हर बच्चा अपना इनपुट दे इसमें। जी स्टूडेंट्स, आप लोग अपने माइक अनम्यूट कीजिए और आप इसको डिस्कस करें। एम आई ऑडिबल मैम? यस ऑडिबल। ओके मैम, हेड्स तो क्योंकि जारी बात है जिनमें डिवाइड हुए हैं एज पर माई इंफॉर्मेशन, या जितना मुझे समझ में आया सुन के भी, मेरा नाम तो उनमें कहीं नहीं है। सो व्हाट सॉर्ट ऑफ डिस्कशन शुड बी मेड बाय द स्टूडेंट्स हु आर नॉट इंक्लूडेड इन? आप मुजफ्फर हो ना? ओके, नो, इट्स फहद अली फ्रॉम ओकाड़ा। फहद अली। जितने भी यहाँ पे इस वक्त मीटिंग में मौजूद है ना, वो सब ग्रीन हैट वाले हैं। सही है? ओके, सो और व्हेन इट, यस मैम, वेल व्हेन इट कम्स टू एक्सेसिबिलिटी बैरियर्स, तो मेरी जो पर्टिकुलर डोमेन है वो आईटी की डोमेन है, और आईटी में भी स्पेशली कंप्यूटर स्लैश लैपटॉप जो है, बाकी जाहिर है ओवरऑल इतना मुझे ज्यादा आइडिया नहीं। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि पेड हैं, जो कि हमें क्रैक करके तो हम यूज कर लेते हैं, लेकिन अभी भी एक बहुत रीच ऐसी है जो कि हमें नहीं मिल पाती सॉफ्टवेयर की। मतलब परचेज करना पड़ता है ये दोबारा जी मैम, परचेज भी करना पड़ता है, और कई जगह पर हमारा इंटरनेशनल जो पेमेंट सिस्टम है पाकिस्तान का वो ऐसा स्टक हो जाता है कि कई चीजें हमारे पास पैसे हों भी लेकिन हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक परचेज भी नहीं कर पाते।
ये तो आपने आइडेंटिफाई किया। अहमद एक मिनट माइक अनम्यूट करके बात सुनिएगा कि ग्रीन हैट्स वालों को क्या करना है, एक बार बताइएगा दोबारा से। अहमद आई थिंक उनको ऑल्टरनेटिव सोल्यूशंस बताने हैं, क्या बताने, मॉडिफिकेशन हो सकती हैं, क्या हम अगर हमें ये प्रॉब्लम हो रही है तो उसको ऑल्टरनेटिव क्या आप सजेस्ट करते हैं? तो अभी जैसे आपने बताया कि हम परचेज भी करना हो तो ऐसे मेथड्स होते हैं कि इंटरनेशनली हम उस चीज को परचेज नहीं कर पा रहे होते हैं, पैसे हो भी तो। आपने फिर इसके क्या सॉल्यूशंस आप बताएं कि आपको क्या लगता है। जी फहद बात कर रहे थे ना। यस मैम जी ग्रीन हैट्स मैम ने बेसिकली आइडियाज लेकर आने मैम हैं। मैम बेसिकली ये जो आइडेंटिफिकेशन है, इफ यू लुक एट द अदर साइड, सो दीज आर द सॉल्यूशंस एज वेल। देखें, एक तो हमारा जो पेमेंट जो सिस्टम है, जो पेमेंट में ऑप्शंस हमारे पास लिमिटेड हैं, जब वो एक्सपैंड होंगे तो इनएक्सेसिबिलिटी जो है वो कम होगी और एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी, अच्छा, ये जो पेमेंट क्योंकि वाले जाहिर इशू हैं ये सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड के लिए स्क्रीन रीडर के साथ ही इशू बनते हैं या ओवरऑल दूसरे लोगों के लिए भी ये मुश्किल हो रही होती है इंटरनेशनल पेमेंट करने के लिए। मैम दूसरे लोगों को मुश्किल तो बेशक हो सकती है, लेकिन उन्हें हमारे मुकाबले पे, फॉर एग्जांपल, अगर उन्हें 20% है तो हमें 60-70% से ऊपर चली जाती है। ओके, तो हम इसके और लिए और दूसरा क्या क्या ये, कर सकते हैं। इसके लिए हम एक तो ये कर सकते हैं कि सबसे पहले तो एजुकेट करने की जरूरत है, आई वुड से लेजिस्लेशन लेवल पर। सिर्फ नॉर्मल फैमिलीज में और इन चीजों में तो इन चीजों का हल नहीं होगा। दूसरा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर मैं अपने लोकल की बात करूं, वो सोल्यूशन होना चाहिए हमारे लिए, बैंक अकाउंट्स की जो रीच है वो इजी होनी चाहिए। अगर बैंक अकाउंट्स आज भी विजुअली इम्पेयर्ड जो पर्सन हैं उनके सिंगल बैंक अकाउंट नहीं खुलते, इसकी वजह से भी बहुत सारे एक्सेसिबिलिटी इश्यूज आते हैं। जो कि अब आईटी से हट के बात करें तो ट्रैवलिंग को ले लें, उनमें भी इश्यूज आते हैं। और उसके अलावा इनका सोल्यूशन यही है कि जारी बात है, बैंकिंग जो है वो सेक्टर स्ट्रांग होना चाहिए, जारी बात है, ताकि हमारे अकाउंट्स ओपन होंगे तो हमें इस तरह की चीज़ों में मुश्किल नहीं आएगी। उसके अलावा अगर एक्सेसिबिलिटी के एतबार से बात करें तो देयर मस्ट बी ट्रेनर्स जो कि विजुअली इम्पेयर्ड जो स्टूडेंट्स हैं उनको कुकिंग और जो डेली लिविंग स्किल्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा काम करवाएं। हमारे काम करवाया जाता है, देयर आर मैनी ऑर्गेनाइजेशंस, लेकिन सोल्यूशन इस पैराए में है कि जो जदीद टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं उनके हवाले से काम करवाया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर हो सकता है। क्योंकि नॉर्मली जो ट्रेडिशन हमारे घर में चीज़ें चल रही होती हैं उनमें तो काफ़ी खतरात मौजूद होते हैं, मतलब जाहिर बात है, हाथ वगैरह जलने के अतबार से या दीगर एतबार से। तो टेक्निक्स, जब ऐसी ट्रेनिंग्स होती हैं उसमें तो टेक्निक्स भी बताई जा रही होती है ना कि इस टेक्निक्स के थ्रू आप काम करेंगे तो आपको उस खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी मैम, लेकिन ये चीज है कि इसमें सिर्फ ज्यादातर चीजें रिड्यूस हो सकती हैं, लेकिन जो जदीद टेक्नोलॉजी आई हुई है उसमें आपको टेक्निक्स का इस्तेमाल कम से कम इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वो बजाते खुद इतनी सेफ पैरामीटर्स में बनी हुई होती हैं। लेकिन जो हमारे हाँ नॉर्मल चीजें बनी हुई हैं, जाहिर है वो इतनी सेफ पैरामीटर में नहीं बनी हुई, तभी हमें टेक्निक्स का ज्यादा यूज करना पड़ता है और उसमें कुछ सक्सेस मिलता है और कई जगह पर नहीं भी मिलता। फिर इसकी ये भी बड़ी वजह होती है कि तभी तो जो अमूमन जो बिग सिटीज के लोग हैं विजुअली इम्पेयर्ड या जो ऐसे जो सेशन में जाते हैं, वो ऐसा समझते हैं कि ऑल अराउंड द कंट्री शायद ऐसा इन्वायरमेंट है, और जो छोटे शहरों के लोग हैं जिन तक ये चीजें नहीं पहुंच पाती, वो ये समझते हैं कि फिर मतलब जाहिर है कि ऑल अराउंड द कंट्री ही शायद ऐसा इन्वायरमेंट है। तो ये एक बहुत बड़ा एक्सेसिबिलिटी बैरियर भी इन चीजों में आता है। ओके, मैं बाकी भी बिल्कुल, जितने के ये हमारे दूसरे हेड्स भी वापस आ गए हैं और हमारे ग्रीन हेड्स ने बाकी उन्हें पार्टिसिपेट नहीं किया, तो जल्दी से अगर आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बता दें क्योंकि बाकी हेड्स वापस आ गए हैं। तो मैं चाहूंगी, क्योंकि फहद ने हमें काफी ज्यादा चीजें बताई, तो अब ग्रीन हेड्स में से दूसरा और कौन अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेगा इसी चीज को लेते हुए। अच्छा स्टूडेंट्स में से जो भी शेयर करना चाहे वो शेयर कर ले। मैं फहद की बात से ना बहुत ज्यादा एग्री करता हूँ इस बात से, क्योंकि हम अगर पाकिस्तान की बात देखें तो हमारे शायद सिर्फ वीआईज में नहीं है, हमारे जो 60% हैं उनमें भी टेक्नोलॉजी काफी पीछे है हमारी।
और अगर इस तरह का कोई ब्रिज बन सकता है कि हम जो ममालिक तरक्की याफ्ता हैं वहां से ऐसी कोई जो भी गैजेट्स हैं, जो भी टूल्स हैं वीआईएस के यूज के भी, वो भी लेके आ सकते हैं। अच्छा जिसमें काफी सारे ऐसे टूल्स भी जो साइटेड यूज करते हैं ना, वो भी हमारे काम आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्योंकि यहाँ मुल्क में है ही नहीं, तो हम कैसे उसको यूज करेंगे सेफली। पुरानी ट्रिक्स या जो तरीकेकार है कि आपने इस तरीके से चीजों को हैंडल करना है, इस तरीके से करना है, उससे ज्यादा आसान है कि किसी हम गैजेट को यूज कर लें। तो अगर ये ब्रिज किसी तरीके से बन सके कि हम कहीं और दूसरे ममालिक से चीजों को यहाँ पाकिस्तान लाके और उन कीमतों के अंदर जो हमारे लिए लेना आसान भी हो दें वीआईएस को, तो ये एक अच्छा हल हो सकता है चीजों के लिए। अच्छा मैं अपनी चीज के लिए एग्जाम्पलीफाई भी कर देता हूँ। फॉर मैं एक एग्जाम्पल दफा ये बताना चाहूंगा कि प्लीज एक टाइम टाइम हमारा जो है वो हो गया है ओवर, सेकेंड। तो अच्छा, मैम लेकिन अगर हम मैं लोग एक चाहूंगी अहमद जी अहमद एक सेकेंड, किसी और बच्चे को एक और भी चांस दें, या बाकी बच्चे बिल्कुल खामोश हैं। एक एक जी सेकेंड और, मतलब 1-2 मिनट और हम 2 मिनट्स वेट कर दें। लेते हैं ताकि हम बाकी लोग भी हैं जो ज्वाइन कर लें मैम, अगर हम उनसे प्रेजेंट करने को कहेंगे। प्लीज आप बच्चों में से और कोई भी है, हसन है, और भी कुछ अरहम है, आप लोग प्लीज कुछ अपना इनपुट दीजिए। आई थिंक हमें आगे अभी चले जाना चाहिए, शायद गोल नहीं बोल रहे तो आगे पॉइंट ना हो। आगे डिस्कशन के बाद कोई और पॉइंट उनको समझ में आएगा तो हम उनसे वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लेंगे। तो अच्छा मैम, यहाँ एंड पर क्योंकि सोल्यूशन की बात हुई थी तो उसमें एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दे देता हूँ, जो आप लोगों को मेरी बात समझने में मजीद ज्यादा आसानी हो जाएगी। दोज हु आर फेमिलियर विद आईटी, स्पेशली कंप्यूटर लैपटॉप, एक वेबसाइट है brianhagen.com, एंड ब्रायन हार्जिन इज फ्रॉम यूके। नाउ व्हेन इट कम्स टू परचेजिंग कोर्सेज फ्रॉम हिज वेबसाइट, तो वहां पर मेनली जो सबसे मेन सर्विस आती है वो आती ही पेपाल की है। दूसरी कोई सर्विस वहां पर मिलती नहीं है व्हेन इट कम्स टू परचेजिंग थिंग्स। अगर उनको आप मैन्युअली ईमेल करते हैं तो वो आपकी ईमेल हफ्तों पड़ी भी रह सकती है और आपका नंबर जल्दी भी नहीं आता, ताकि वो आपको एक इनवॉइस दें, फिर आप डेबिट क्रेडिट वहां पे उसको हिसाब से पे करें। तो ये एक छोटी सी एग्जाम्पल थी। दूसरी एग्जाम्पल रीडिंग से लेनी है तो सक्षम एक इंडियन लाइब्रेरी है जिसकी बुक्स हम यहाँ पर जाके भी रीड आउट नहीं कर सकते। इसके अलावा पुस्तकालय एक लाइब्रेरी है। इसके अलावा अगर हम बुक शेयर को देखें तो चीजें बेहतर हुई हैं, लेकिन अभी भी उनकी जो मेंबरशिप है उसमें काफी ज्यादा बैरियर्स हैं। यहाँ पर हमें मेंबरशिप मिलने के बावजूद भी देयर आर नंबर ऑफ टाइटल्स, इनफैक्ट डजन्स ऑफ टाइटल्स विच आर नॉट शोन इन आवर रीजन। तो ये मैंने कहा कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको दे दूं कि ये एक्सेसिबिलिटी जो बैरियर्स हैं, अब जाहिर है इनको ठीक करना ऑन दी अदर साइड ये सोल्यूशन है। बाकी ये सब लोग जानते हैं कि ये बजाते खुद इतना बड़ा टॉपिक है कि क्रिटिकल थिंकिंग इसके पीछे छुप के रह जाएगी। और थैंक यू सो मच, आपने एक्सप्लेन किया। अहमद आगे ठीक है, बताएं आई क्या थिंक करना। हम एक काम करते हैं, बाकी सबको सबने ज्वाइन कर लिया हमें वापस। जी ठीक है, हम व्हाइट हैट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, उनके क्या टेक अवे पॉइंट्स रहे तो द व्हाइट हैट अलियन ग्रुप? अलियन ठीक है, आप में से कोई एक इसको रिप्रेजेंट कर दे बस। अली एंड सलीम, आपके से कोई? ओके अली वेटिंग रूम में। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? जी अच्छा, हम लोगों ने दोनों ने जो अभी डिस्कशन किए तो हम लोगों ने एक दो पॉइंट्स डिस्कस किए कि देखें एक्सेसिबिलिटी के इश्यूज भी हैं, लेकिन इसमें ये कि पाकिस्तान से बाहर कुछ कंट्रीज में काम हुआ है इस पे। जैसे कि अगर हम बात करें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के आईटी के हवाले से, तो बहुत सारे जो दूसरे ममालिक हैं, पाकिस्तान की किस्मत बहुत बेहतर है, वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी में काम हुआ है। लेकिन गैप असल में ये है कि हमें वो कंटेंट हमारी नेटिव लैंग्वेज में प्रोवाइडेड नहीं है, हमारे पास मौजूद नहीं है, तो एक लैंग्वेज बैरियर आता है जिसकी वजह से हम लोग या बहुत सारे विक्टिम पेड जो स्टूडेंट्स हैं या पर्सन हैं वो उसे कंज्यूम नहीं कर पाते, उसे फ़ायदा हासिल नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स पर कॉन्टेंट मौजूद भी है लेकिन उसको हम हासिल नहीं कर पाते हैं। एक तो लैक ऑफ जो है वो मतलब लैंग्वेज बैरियर है। दूसरा ये कि पाकिस्तान में भी कुछ इस तरह की चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से, एक्सेसिबिलिटी के हवाले से,
जिस तक लोगों की अवेयरनेस नहीं है, इस पे काम हुआ है लेकिन अवेयरनेस कम होने की वजह से लोग उसको यूज़ नहीं कर पाते, समहाउ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है या अवेयरनेस है। जैसे कि अगर हम बात करें टोकन एटीएम्स की, तो पाकिस्तान में अवेलेबल है लेकिन लोगों को पता नहीं है, यूज़ बहुत कम की जाती है कि कहाँ पर अवेलेबल है, उसको यूज़ करने के बारे में लोगों को अवेयरनेस बहुत कम है। तो एक्सेसिबिलिटी के हवाले से इश्यूज़ हैं, लेकिन जो चीज़ें अवेलेबल हैं हम उनको भी यूज़ नहीं कर पा रहे। समहाउ एक तो इंफॉर्मेशन का गैप है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, अवेयरनेस की कमी है। दूसरा जो है लैंग्वेज बैरियर है, बहुत सारी चीज़ें जो हमें दूसरी लैंग्वेज में होने की वजह से समझ नहीं आ अच्छा पाती, तो हम उसको कंज्यूम नहीं कर पाते। ओके बिल्कुल, थैंक यू सो मच सलीम। ओके रेड हैट, अच्छा मैं साकिब रजा, हमने डिस्कशन की शायन सर ने और मैंने, तो इसमें कुछ चीज़ें थी जैसे हमने डिस्कस किया कि सम टाइम होता क्या है कि मुख्तलिफ वेबसाइट्स होती हैं, जैसे अगर हम ऑडियो की एग्जांपल ले लें तो काफ़ी ऐसे सॉफ्टवेयर्स मौजूद होते हैं जो कि हम यूज़ नहीं कर पाते, यानी हम ऑडियो एडिट तो कर रहे हैं लेकिन मतलब कंप्लीटली जो चीज़ें स्टूडियोज में एडिट की जाती हैं वैसे नहीं कर पाते, तो इससे डेफिनेटली एक फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, गुस्सा आता है, फीलिंग्स हर्ट होती हैं, तो ये भी है। फिर कोई हम गोल्स अचीव करना चाहते हैं उसमें एक स्पेसिफिक जगह पे जाके एक्सेसिबिलिटी अगर ना मिले तो वहाँ पे भी मतलब ऐसा लगता है कि हमें एक्सक्लूड किया जा रहा है, हम वहाँ पे भी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो मैंने देखा है कि बहुत जगहों पे हमारे साथ फिर ये हो रहा होता है कि हम एंग्जायटी में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि ये नहीं है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो इस तरह फिर हमारी फीलिंग्स काफी हर्ट होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसे मजीद प्रोग्राम्स होने चाहिए जहाँ पे मजीद एहसास दिलाया जाए ब्लाइंड पीपल्स को, यानी ब्लाइंड लोगों को, कि लोग हमारे साथ हैं और वो तमाम चीजों में इंक्लूड रखें, तो मेरा ख्याल है कि अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच साकिब, लेट्स जंप ऑन टू द येलो हैट। अच्छा, मैंने और सदरा ने बैठ के जो पॉइंट्स डिस्कस किए, तो हम लोगों ने ये देखा कि हमारी लाइफ की डिफरेंट डोमेन्स हैं, और अगर एक्सेसिबिलिटी और अवेयरनेस के जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं, तो इससे क्या पॉजिटिविटी या क्या बेटरमेंट आ सकती है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपनी फिजिकल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, तो ऑफकोर्स हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ों को एक्सेस करने में डिफिकल्टी होती है। जैसे मेडिसिन का एग्जाम्पल सिदरा ने दी थी कि हमारे पास मेडिसिन जो होती हैं वो अक्सर जो है उन पर ब्रेल की इंक्रिप्शन नहीं होती हैं, जिसकी वजह से हम दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। या अगर हम कहीं जा रहे होते हैं तो वहाँ पर रैंप्स अवेलेबल नहीं होते, या टेक्टाइल फ्लोरिंग अवेलेबल नहीं होती। इसके अलावा बहुत सारे गैजेट्स हैं जो हम नहीं यूज़ कर पा रहे होते हैं हमारी मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड, जो हमारे पास यहाँ पाकिस्तान में अगर बहुत या तो एक्सपेंसिव है या तो ईजिली अवेलेबल नहीं है, जैसे थर्मामीटर्स हैं या वेट मशीन्स वगैरह हैं। अगर ये सब चीज़ें इजीली एक्सेसिबल होंगी तो ये हमें हमारे लिए उनको ना सिर्फ इस्तेमाल करना इजी हो जाएगा, बल्कि हम और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, और ये सब एक दूसरों के ऊपर जो एक डिपेंडेंसी वाला मसला है वो कम हो जाएगा हमारी ओवरऑल, अगर हम फिजिकल हेल्थ के बारे में बात करें। एक हमारी ऑक्यूपेशन के रिलेटेड भी मसले होते हैं कि हर जगह पर जो है ऑफिसेस के अंदर चीज़ें इतनी रेडिली एक्सेसिबल नहीं होती हैं, और सेंसिटिविटी के भी इश्यूज होते हैं। अगर ऑफिसेस को भी अवेयरनेस हो और वो हमारे लिए चीज़ें ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल बना दें, सॉफ्टवेयर्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, दूसरे एड्स हैं, इसके अलावा कोटा सिस्टम के ऊपर अगर थोड़ा सा काम हो जाए, तो ये भी हमारे एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इश्यूज को भी चीज़ें सॉल्व कर देंगी। और हम वो जो खुद मुख्तार वाला एक कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, एक ऑप्टिमिस्टिक चीज़ के हम सब जो हैं वो एम्प्लॉयड भी होंगे और ये फाइनेंशियल इशूज नहीं होंगे, एक्सेसिबिलिटी हो जाएगी, तो ये भी एक पॉजिटिव एलिमेंट इसमें ऐड हो जाएगा। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल या अकेडमिक्स की अगर बात करें, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो हमें डिस्क्रिमिनेट करके एडमिशन नहीं देते। एक तो ऑफकोर्स विजुअल चैलेंजेस का मसला है, दूसरी ये कि काफ़ी सारी किताबें, लिटरेचर, स्टडी मटेरियल, ऑडियो बुक्स, ब्रेल वगैरह में नहीं होता, हमें अभी तक राइटर्स की जरूरत होती है, क्योंकि ये चीज़ हमें यूनिवर्सिटीज नहीं अलाउ कर रही होती कि आप अपने लैपटॉप से खुद जो है वो कर सको। कुछ अलाउ करती भी हैं, मेजोरिटी नहीं करती है। तो अगर एक्सेसिबिलिटी का इशू यहाँ पे रिजॉल्व हो जाए, ऐसी वेबसाइट्स हम एक्सेस कर सकें, जैसे अभी भी एग्जाम्पल दी गई थी वेबसाइट्स की जहाँ लिटरेचर अवेलेबल है, तो ये भी हमारे लिए एक बहुत पॉजिटिव और बेनिफिशियल चीज़ होगी कि हमारे लिए एक पूरी दुनिया खुल जाएगी इंफॉर्मेशन की। इसके अलावा सोशल इंक्लूजन में हम मोबिलिटी के इश्यूज हमारे सॉल्व हो सकते हैं, या फिर हमारा आना जाना जो है दूसरी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं, हॉस्पिटैलिटी, रेस्टोरेंट्स वगैरह में हम जाते हैं, अगर वो भी एक्सेसिबल हो जाएं तो हम लेजर एक्टिविटीज़ को भी उसी तरह से इंजॉय कर सकेंगे जैसे साइटेड पर्सन्स करते हैं। और अगर लास्ट एक बात की जाए ओवरऑल सोशल चीज़ की, कि इन सब चीज़ों की वजह से एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम आता है, जिसकी वजह से दूसरी एनजाइटी रिलेटेड, जैसे अभी साकिब ने भी बताया, इमोशनल
इश्यूज हो जाते हैं। तो अगर ये सब रिजॉल्व हो जाएगा तो ना सिर्फ हमारा मोरल बढ़ेगा, हमारी इंडिपेंडेंस बढ़ेगी, बल्कि ओवरऑल हमारी मेंटल हेल्थ भी जो है वो बेहतर हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, अगर लोग ज्यादा अवेयर हो जाएंगे और अगर एक्सेसिबिलिटीज हमारे पास इजीली अवेलेबल होंगी। सो दीज वर अ फ्यू पॉइंट्स फॉर द येलो हैट। All right, thank you, Hajra. Let's move on to the black hat. Black hat kiska tha? Ji, black hat hamara tha, mera aur session humne discuss kiya tha. इसमें हमारे पास जो थे कि एक्सेसिबिलिटी के जो चैलेंजेस आते हैं वीआईएस के लिए, उसमें मेनली जो हमने डिस्कस किया तो उसमें एजुकेशन को हमने डिस्कस किया कि भाई एजुकेशन यहाँ पे एक्सेसिबल तो है, लेकिन जो हमारे पास जो एक्सेसिबल टूल्स होते हैं वो इतने एक्सपेंसिव होते हैं, जो उनकी फैमिलीज मोस्टली वहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकती, तो फिर इसके लिए भी उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं स्टूडेंट्स को भी या जो भी वीआई पर्सन है उनको भी, और ब्रेल बुक्स भी इतने लिमिटेड होते हैं, फिर उसमें जो टीचर्स होते हैं वो भी इतने ज्यादा हमारे पास नहीं होते वहाँ पर स्कूलों में, या इतने वो हाई फाई एजुकेटेड नहीं होते, जो उसके लिए फिर वो भी एक चैलेंज होता है कि भाई आपके टीचर्स भी अच्छे हों जो आपकी चीजों को समझ सके। उसके बाद ये जो फैमिलीज जो होती हैं उनको एक फेयर होता है, बाहर नहीं निकालते उनके सोशल डिस्टेंस मास्क में रहते हैं, भाई बाहर निकलेंगे एक सेफ्टी का भी प्रॉस्पेक्ट आ जाता है कि हमारे बच्चे वहाँ पे सेफ नहीं होते, बाहर निकालने से भी डर लगता है बच्चों को, तो इसलिए फैमिलीज उनको बाहर नहीं निकालती। फिर बाहर जब निकलते तो वहाँ पे फिर अलग से इश्यूज होते हैं मोबिलिटी के, कि यहाँ पर इतनी एक्सेसिबिलिटी नहीं होती उनके वीआईएस के लिए, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर वो ट्रेवल करते हैं तो वहाँ पे भी इतनी एक्सेसिबिलिटी नहीं होती चीज़ों को, या किसी बिल्डिंग्स में जाते हैं वहाँ पे रैम्प्स या टेक्टाइल के इतने इंडिकेटर्स नहीं होते कि एक वीआई वहाँ पे इजीली एक्सेसिबल कर सके, वहाँ पे मोबिलिटी उनकी अच्छी हो सके, ये हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। इसके अलावा जैसे हमारे पास लिमिटेड जॉब्स अपॉर्चुनिटी जो होती हैं वीआईएस के लिए, बहुत लिमिटेड जॉब्स होती हैं यहाँ पर कि भाई आप सिर्फ ये ऑडिबल जो चीजें होती है उसी को कर सकते हैं, जैसे कॉल सेंटर की जॉब्स मोस्टली हमने जो सुना है कि वो यही कर सकते हैं, तो जॉब्स की भी बहुत लिमिटेड वहाँ पे अपॉर्चुनिटी होती है। इसके अलावा फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, क्योंकि फैमिलीज जो होती है मोस्टली, मिसाइशन ने जैसे कहा कि जो बाकी जो बच्चे होते हैं उनको ज्यादा वो उनपे कर रहे होते हैं कि भाई वो हमारे जैसे फिजिकली वो फिट हैं तो उनपे ज्यादा वो कर सकते हैं, लेकिन जो वीआईज होते हैं उनको थोड़ा इग्नोर करते हैं फैमिलीज की तरफ से, ये भी इश्यूज आते हैं। इसके अलावा सोशली उनको आइसोलेटेड कर दिया जाता है, घर में ही रखा जाता है, बाहर नहीं निकालने दिया जाता, तो ये भी एक इशू होता है। इसके अलावा उनकी जो मेन मसला होता है बच्चों की मैरिज और रिलेशनशिप का, ये भी उनके लिए एक बहुत चैलेंजिंग होता है, शादी जैसा मेन चीज होती है, तो ये काफी सारे चैलेंजेस जो कि एक्सेसिबिलिटीज के लिए चैलेंज होता है शादी नहीं, जैसे आगे चल के हम उन बच्चों के लिए जो मोस्ट प्रॉब्लम आती है ना आगे चल के उनकी शादी, जैसे वो इतना वो नहीं हो पाता, घर में ही बैठा रहता है, एक आइसोलेटेड हो जाता है, तो फिर उनकी जैसे बाहर निकलते हैं बच्चे तो उनकी फिर शादियां इस तरह के भी मसले मसाइल तो हल हो जाते हैं। तो हमने वो जो डिस्कस किया कि भाई इन बच्चों की फिर वो घर में ही रहते हैं आइसोलेटेड हो जाते हैं, तो फिर ये वाला मसला भी उनका मेन जो एक होता है वो भी नहीं हो पाता मसला हल, तो इस तरह की चीजें कि जब ये एक्सेसिबिलिटी का इश्यू अगर सॉल्व हो गया तो लोगों की शादियां भी आसानी से हो सकेंगी, आसानी से हो सकेंगी। जी बिल्कुल यही हम ओके सही है ना, सब घर में एक बच्चा रहता है, कोई भी फीमेल या कुछ भी घर से निकलती नहीं, किसी से मिलती जुलती नहीं, बिल्कुल वो आइसोलेटेड हो जाती है, तो आगे चलकर फिर वो घर में ही रहती है, फिर वो बाहर नहीं निकल पाती, तो एक लाइफ का मेन जो एस्पेक्ट होता है वो उससे महरूम हो जाती है। शादी हॉल एक्सेसिबल होना चाहिए। जी 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 एक्सेसिबल टूल्स, एक्सेसिबल टूल्स का भी हमने किया था कि भाई वो इतने एक्सपेंसिव होते हैं जो वो अफोर्डेबल नहीं होते, जो डिवाइसेस आजकल आ तो गई हैं मार्केट में, काफी सारी चीजें आ गई हैं, लेकिन उसको फिर वो अफोर्डेबल नहीं होती, उनकी प्राइसेस इतनी हाई होती है एक्सपेंसिव है, तो वो भी एक्सेसिबल नहीं होती हमारे लिए, लैक ऑफ रिसोर्सेज भी होते हैं। जी सही सही, चलें, थैंक यू सो मच मिस आबदा। अब आ गया ग्रीन हैट, ग्रीन हैट में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तलहा हैं, तो मैं चाहूंगा तलहा आप कर दो ब्रीफ स्टूडेंट्स की तरफ से, या अगर कोई स्टूडेंट करना चाहता है, बट यू गाइस हैव ओनली वन मिनट। हेलो तलहा आप कर दो जल्दी से। मेरी आवाज आ रही है तलहा? तला जो डिस्कशन हुई थी ना ग्रीन हैट्स में हम लोग कर रहे थे, बात बता रहे थे, वो वाली समरी आपने देनी है यहाँ पे? जी जी बिल्कुल। अच्छा हमने जो यहाँ पे बात की थी वो एजुकेशन और आईटी से रिलेटेड थी वो बात भी, और उसमें यही मसला था कि हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट या बहुत सारे ऐसी एजुकेशन की टूल्स या जो भी साइट्स हैं वो हमारे लिए एक तो एक्सेसिबल नहीं है, दूसरा अगर एक्सेसिबल हैं तो पेड हैं, और उनका जो भी पेड
खरीदने का जो तरीकेकार है वो इतना मुश्किल बनाया हुआ है हमारे लिए, या तो वो सपोर्ट ही नहीं करता हमको, और हम चाहते हैं खरीदना अगर कोई इतना इस्तेदात रखता है कि वो खरीद के और उन किताबों को पढ़ सके। सॉरी, फहद ने जो है यहाँ पर कुछ साइट्स बताई थी, आप लोगों ने सुनी होंगी, तो वो साइट्स अवेलेबल हैं, उनको हम लेकर खरीद कर जो है वो पढ़ सकते हैं, उनको लाइब्रेरीज को एक्सेसिबल कर सकते हैं अपने लिए, लेकिन वो इतना मुश्किल तरीकेकार है जो यहाँ पाकिस्तान में सपोर्ट नहीं करता। तो इस चीज़ को, इस बैरियर को ख़त्म करना है कि वो चीज़ें हमारे लिए बनाई जाएं, हम उनको यूज़ कर सकें, एक्सेसिबल बनाई जाए हमारे लिए, ताकि हमारा जो एजुकेशन का जो एक बैरियर है, सब यही बात कर रहे हैं एजुकेशन एक्सेसिबिलिटी, वो ख़त्म हो सके और उसके ज़रिए हम अपने जो भी मामलात हैं उनको बेहतर कर सकें। ये अहमद सारे हेड्स हो गए। मैम, अच्छा यस यस मैंने मतलब क्विकली विद इन सेकंड में ये बात करूंगा कि ये जो सब सॉल्यूशंस हैं, दीज आर ओनली द 5% ऑफ द मेन सॉल्यूशंस, ज़्यादा टाइम का ख्याल रखते हुए भी, वरना एक जो मेन सॉल्यूशन ये भी आ सकता है कि ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी काम कर रही हैं हमारे मुल्क में वो नेशनल लेवल की होनी चाहिए। हम यहाँ पर देखते हैं मतलब ये मैं किसी एक को नहीं बात कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं लेकिन वो प्रोविंशियल लेवल की भी नहीं है, वो बल्कि टाउन लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस खुली हुई है हमारे। तो ऑर्गेनाइजेशंस अगर नेशनल वाइड होंगी तो फिर चीजें मजीद एक्सेसिबल हो सकती हैं, गवर्नमेंटल लेवल पर रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी तो एजुकेशनल जो बैरियर्स हैं वो मजीद कम हो सकते हैं। और रिकॉर्डिंग्स की बात मैं इंग्लिश से हटके कर रहा हूँ बिकॉज दूसरी लैंग्वेजेस में जो सॉफ्टवेयर हैं उनकी सपोर्ट जरा काफी कम है। ओके जी अहमद आगे। हेलो, ओके, थैंक यू। मैं कह रहा हूँ कि बाकी सब हैट्स को हमने सुना, अब बारी है ब्लू हैट की, जिसमें मिस निगाह दानम एंड आई थिंक सर शब्बीर हैं। तो इसमें मैं एक एक पॉइंट विद अ सेकंड्स आई वांट टू नो कि हाउ डू यू थिंक एंड हाउ यू गोना कंक्लूड इट, कि ये जितने भी हैट्स आपने सुने हैं कि क्या इसमें कितनी रियलिटी है और कितना इसको आप इसको समराइज करें अपने तौर पे, तो किस तरह से करेंगे विद इन सेकंड्स, लाइक 30 सेकंड्स मतलब या सारे हेड्स को आप कह रहे हैं हम समराइज करें, आप समराइज समराइज करें, करना है या फिर सोल्यूशन बताना समराइज करके सोल्यूशन कंक्लूड करते हैं हम, जब किसी भी पहले है। उसको समराइज करते हैं फिर कंक्लूजन देते हैं ना। ऑलराइट, तो मैं सबसे पहले आप अपनी तरफ से पॉइंट बता देती हूँ। जो मैंने ये सारे हैड्स सुने हैं जिसमें ये भी बात हुई कि एक्सेसिबिलिटी के इश्यूज थे, वेबसाइट्स को देख पे जाने के इश्यूज थे, एजुकेशन से रिलेटेड सिर्फ अभी मैं बात कर रही हूँ, बाकी चीज़ें मिस निगत और शबीर कवर करेंगे। जैसे कि बात हुई कि राइटर की अभी तक हमें नीड है, हमारे पास यूनिवर्सिटीज अलाउ नहीं कर रही होती हैं कि लैपटॉप पे करें, और हमारे पास हमें ब्रेल में कंटेंट या ऑडियो में कंटेंट चाहिए होता है, और बुक्स एक्सेसिबल नहीं होती हैं। एक ये इशू जो येलो हैट की तरफ से था तो उसको ही मैं एड्रेस कर रही हूँ, और इसका जो कंक्लूजन है वो ये है कि हमें यूनिवर्सिटीज और जो भी एकेडमिक सेक्टर्स हैं जितने भी एजुकेशनल, वहाँ पे जाकर अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। मैं एग्जांपल दूंगी अपनी यूनिवर्सिटी की। मेरी यूनिवर्सिटी में मैं फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट थी, उनको नहीं पता था कि मैंने किस तरह से देना है, ब्रेल से देना है, ऑडियो से देना है, राइटर के थ्रू देना है या लैपटॉप के थ्रू देना है, उनको इस चीज़ में से एक भी चीज की नॉलेज नहीं थी। तो मैंने उनको जब ये एक्सप्लेन किया, डेमो दे के दिखाया, उनको अवेयरनेस दी कि इस तरीके से लैपटॉप पे मैं बगैर किसी बंदे इंसान के ऊपर डिपेंड करते हुए काम भी कर सकूंगी और आप भी उसको एक्सेस कर सकेंगे, मतलब वो जो चीज़ मेरे लिए एक्सेसिबल होगी वो आपके लिए भी होगी क्योंकि आप सॉफ्ट कॉपी मेरा काम चेक कर रहे होंगे। तो जब उनको ये बात समझ आ गई, उन्होंने मुझे एडमिशन दे दिया और मैं 2 साल से उस यूनिवर्सिटी में आराम से कर रही हूँ। अब वहां पे कोई और भी विजुअली इम्पेयर्ड आएगा तो उनको ये बात समझ आई भी है, वो उसको करने देंगे। कई यूनिवर्सिटीज में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में भी एडमिशन लेने देते हैं विजुअली इम्पेयर्ड को, और इसमें भी नहीं मुझे लेने दे रहे थे, जैसे कि उन्होंने कहा मुझे, मतलब वो कन्विंस कर रहे थे मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट में जाऊँ ना कि साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। लेकिन इस चीज़ के लिए जरूरी है हमें उनको अवेयरनेस देनी है, हम कर सकते हैं, हमें कन्विंस करना है। तो ये एक कंक्लूजन मैंने बताया जो एक और येलो हैट की तरफ से इशू भी रेज हुआ था। तो मेरी तरफ से ये पॉइंट हो गया, आगे शबीर और मिस निगत कंक्लूड करेंगे।
थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच अनम। ये सारे पॉइंट सुने और बड़े वैलिड पॉइंट लोगों ने सबने रेस किए हैं, बहुत जेन्युइन है। तो इसमें अभी जैसे फहद ने भी एक बात कही, मैं वही कहना चाह रही थी कि यहाँ पर कहीं कोई चीजें हमारे लिए कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में है और कुछ चीजें हमारे लिए कंट्रोल में नहीं है, या अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं जो कि हम इंडिविजुअल मतलब क्या कर भी खुद से नहीं कर सकते। वहां पर फिर एक सपोर्टिव सिस्टम की रिक्वायरमेंट, ठीक है, नेशनल लेवल पर है, दूसरे मुल्कों की जो हम मिसाल देते हैं तो वहां पर इसलिए वहां चीजें बेहतर हैं क्योंकि वहां पर नेशनल लेवल पे इस चीज की टेक केयर की जा रही है और नीड को समझा जा रहा है। तो अब यही है कि जो ऑर्गेनाइजेशन, हम जैसी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, हम लोगों को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हम इस चीज को उन लोगों तक पहुंचाएं, यानी हम खुद ढूंढें फिर ऐसे गवर्नमेंट के लोगों को, एजुकेशन सेक्टर में जाएं, इसी तरह जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, जिस लेवल पे भी हमारे कोई ना कोई, हम अपनी अपने रिसोर्सेस को यूज करते हुए उन तक एक्सेसिबिलिटी हम अपनी बढ़ाएं कि हम अपनी पहुंच करें, कि हम किसी मेयर से मिलें, किसी मिनिस्टर से मिलें, कम से कम सिंध के मिनिस्टर से मिलें, फिर आगे उसको फेडरल तक पहुंचाएं। यानी ऐसा ऐसा जब एक एक मुहिम चलेगी और एक चीज चलेगी तो वो आगे पहुंच सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो इंस्टीट्यूट है उनको मेरे ख्याल से यूनाइट होने की जरूरत है। सारे इंस्टीट्यूट ये सोचें कि हमें जो है ना इसको नेशनल लेवल पे चीजों को कराना है, क्योंकि जैसे अभी बात की मैंने आपदा ने कि जी ये रैम्स नहीं है, टेक्टाइल साइंस कुछ नहीं होती है, ट्रैवलिंग में ऐसी सीट्स अवेलेबल नहीं होती हैं, ठीक है, और सिर्फ हम अगर वी आर क्या, हम अगर ऑल अदर डिसेबिलिटी को देखें तो एक नेशनल लेवल पर सबके लिए काम होना चाहिए, वी आईज के लिए भी होना चाहिए। तो यहाँ पर ये वो फैक्टर्स हैं जहाँ पर आके एक इंडिविजुअल के लिमिट खत्म हो जाती है। तो एक तो इस पर काम करना चाहिए कि हमें गवर्नमेंट को अपने साथ मिलाना चाहिए, प्रोविंशियल लेवल पे भी और फेडरल लेवल पे भी। वो सो रहे हैं, वो अपनी कामों में लगे हुए, लेकिन कम से कम ये हमारा फर्ज है कि हम उनको अटेंशन उनकी डाइवर्ट करें इस चीज की तरफ। तो एक तो ये है, दूसरा वही चीज के जो अनम ने अभी बात कही कि खुद भी प्रूफ करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा अगले को कि जी हम कर सकते हैं, और पहले हमें ये एहसास खुद भी होना चाहिए। अब देखें बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, एक्सप्लोर करने की जरूरत है, यूट्यूब पे इंटरनेट पे बहुत कुछ अवेयर मौजूद है, कितने बच्चे हैं वी आए जो कि चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये भी हमें सुनना चाहिए। बहुत सारी चीजें हमें इंफॉर्मेशन अब वन क्लिक पे मिल रही है, लेकिन क्या बच्चे इस चीज से फायदा उठा रहे हैं कि एटलीस्ट जो चीज उनको घर बैठे मिल रही है वो उसके लिए एफर्ट करें हर चीज। देखें मैं एक चीज समझती हूँ, थोड़ी सी शायद हार्ड लग जाए, लेकिन ये कि मैं समझती हूँ कि हर चीज प्लेट में रखकर नहीं मिलेगी। ये जो माइंडसेट है कि हमें हर चीज मिल जाए, हमारे लिए कोई कर दे, पहले तो हमें ये माइंडसेट को सही करना है। कोई हमारे लिए क्यों कर दे, हम खुद भी तो इनिशिएटिव लें, हम कदम बढ़ाएं, खुद भी हम कोशिश करें, अगला भी करेगा डेफिनेटली, लेकिन अगर ये माइंड बनाने के जी हमें बस कोई हमारे लिए कर दे, हम कुछ नहीं कर सकते, हम हेल्पलेस हैं, पहले तो ये जो हेल्पलेस वाली चीज है ना, ये अपने माइंड से खत्म करनी है। खुद बढ़ना है, चीजें बहुत सारी मौजूद हैं उनको एक्सप्लोर करना है, यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। अब हो सकता है आप लोग सर्च करें एक्सेसिबिलिटी के हिंड्रेंस खत्म करना, हो सकता है बहुत सारी वीडियोस आपको इस पे मिल जाएं कि जो पेमेंट के इशू अभी फहद कह रहे थे, बेटा आप इसको ढूंढो यूट्यूब पे कि आप इंटरनेशनल पेमेंट में अगर फंसते हो तो आपको कोई है, कोई ऐसी कोई गाइडलाइन, हो सकता है किसी कोई वीडियो मिली हो, क्योंकि मैं भी बहुत सारी चीजें ढूंढती हूँ तो यूट्यूब पे आपको हर चीज मिल जाती है, ठीक है। तो पहली बात ये कि आपने कितना एक्सप्लोर करने की कोशिश की, आपने कितना रिसर्च और जानने की कोशिश की, आपने लोगों से कितनी बात की, पहुंचे खुद लोगों से बात करें, बताएं कि आप क्या करना चाहते हो, ठीक है, और प्रूफ भी करें। जैसे अनम ने कहा, उसने कहा आई कैन डू दैट, आप मुझे चांस दें, तो एक ये वाला जज्बा भी होना चाहिए। आप हम सिर्फ दूसरों पर डिपेंड नहीं करेंगे कि वही बिल्कुल हमारे लिए कर दे, हमें ये भी देखना है कि हम किस हद तक कर सकते हैं। 60-70% बात हम भी तो आगे बढ़े ना, फिर अगला भी हाथ पकड़ लेगा, ठीक है। तो ये माइंडसेट की भी बहुत जरूरत, चेंज करने की जरूरत है। अब जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं, हम नई सुबह में कोर्सेज अनाउंस करते हैं, ठीक है ना, सब कुछ करते हैं, अगर हमारे पास रूट्स नहीं बन रहे होते या वैन फैसिलिटी हम नहीं दे पा रहे होते, तो हम बच्चों से कहते हैं, उनके पेरेंट्स से कहते हैं आप आ जाइए, आप बच्चे को लेकर आ जाइए, वो कहते हैं नहीं हम तो आ नहीं सकते, आप वैन फैसिलिटी देंगे तो करेगा कोर्स।
अब वो ये अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे होते हैं, बहुत अच्छा कोर्स अनाउंस हुआ हुआ है सिर्फ इसलिए कि वो वैन नहीं मिल रही। तो भाई हर माँ बाप अपने बच्चों को लेके, मैं यही कहती हूँ, घूमने जा रहे हैं, फिरने जा रहे हैं, होटलिंग करा रहे हैं, शाम में पार्क लेके जा रहे हैं एक दिन के लिए। हमारा जो कोर्स होता है, जो भी कोर्सेज हैं, वो वंस अ वीक क्लास होती है ना, हम डेली तो नहीं करते। तो वंस अ वीक आप अपने बच्चे को पिक एंड ड्रॉप नहीं दे सकते। वही बात जो कि पेरेंट्स का, जो घर वालों की तरफ से सपोर्टिव सिस्टम बच्चों को नहीं मिल रहा होता। बच्चे कहते हैं हमें नहीं मिल रहा, हम आना चाह रहे हैं, हम करना चाह रहे हैं, हमें कोई छोड़ने वाला ड्रॉप करने वाला नहीं है। तो ये पेन पेरेंट्स को लेना है। देखिए वालदेन और घर वालों के लिए की ही प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो इदारे हैं वो उनके हेल्पिंग हैंड्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है जो आर हेल्पिंग हैंड्स फॉर देम, लेकिन आपका बच्चा आपकी जिम्मेदारी। एक ये वाला जो एक होता है ना वो, तो अगर हम अपने साइडेड बच्चों के लिए सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन एक वीआई बच्चे के लिए नहीं कर रहे होते, क्यों नहीं कर रहे होते, करना चाहिए ना। तो आप अपने बच्चे को तमाम सहूलत दो, उसको पिक एंड ड्रॉप दो, जहां जहां ऐसी चीजें हो रही हैं उनको ऐसे सेशंस में लेके जाएं, जो इदारा आपको पता चलता है दौड़ के जाइए, अपने बच्चे को उस चीज से वो माहौल दें, वो सब कुछ दें, तो क्यों नहीं बच्चा आगे बढ़ेगा। एक ये बहुत बड़ी रुकावट है बच्चों के लिए कि उनको घर से सपोर्टिव सिस्टम नहीं मिलता। ये एक्सपेक्टेशन होती है कि आपको वो इदारा ही सब कुछ दे, आपको घर से पिक करे, आपको घर पे छोड़े। कभी कभी इदारे की भी अपनी लिमिटेशंस आ जाती हैं, लेकिन उसने ओपन तो रखी है ना अपॉर्चुनिटी, आप ड्रॉप कर दें। तो ये भी देखो, बहुत मैं इसलिए कह रही हूँ कि मुझे ये चीज बहुत फेस करनी पड़ती है। हम कोर्सेज अनाउंस करते हैं और घर में बच्चों को कोई पिक एंड ड्रॉप देने वाला नहीं होता। कराची इतना बड़ा है, सारे रूट को हम केटर नहीं कर सकते, लेकिन हमारी क्लासेस तो ओपन है, हमारे टीचर्स तो अवेलेबल है, हम पढ़ाने को तैयार हैं। तो ये माइंडसेट भी चेंज करने की जरूरत है कि घर वालों को सपोर्ट देना है। अब इस चीज की अवेयरनेस क्रिएट करना, ये चीज हम लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज हो रही है, और हम इस पे काम भी कर रहे हैं कि हम पेरेंट्स और गार्जियंस को किस तरह उनके माइंडसेट को चेंज करें कि वो बच्चों के लिए एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट उनको दें, कि उनके लिए हर चीज मुहैया करें। वालदेन की जिम्मेदारी है ना मुहैया करना, तो करें मुहैया, है ना। तो ये यहाँ पर ये भी एग्जैक्टली बहुत बड़ा एक बच्चे के लिए चैलेंज है कि वो बच्चा हेल्पलेस हो जाता है, उसको घर से सपोर्ट नहीं मिल रही है, ऑल्दो इदारे मौजूद हैं, चीजें मौजूद हैं, उसको कोई लेके जाने वाला नहीं। तो हम, हमारी कोशिश होती है जहां तक हम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दे सकते हैं हम जरूर देते हैं, लेकिन कहीं कहीं हमें अफसोस होता है कि कुछ बच्चे आ नहीं पा रहे। बिल्कुल तो सही बात है कि ये जब बहुत बड़ी बात है। एक्सेसिबिलिटीज नहीं होती तो वहाँ पेरेंट्स और बच्चों के लिए भी इश्यूज होते हैं। थैंक यू सो मच मिस निगाह एंड मिस अनाम फॉर द रियली रियली गुड कंक्लूजन, बिकॉज अब द टाइम इज फ्लाइंग। तो मैं इस चीज को बहुत जल्दी रैप अप करूंगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये जो टेक्निक है दिस इज कॉल्ड क्रिएटिव क्रिटिकल थिंकिंग। अब क्रिएटिविटी के अंदर हमने क्या करना होता है, हमारे पास आइडियाज होते हैं। अब बिकॉज आई एम रैपिंग अप हियर, तो जस्ट वांट टू गिव यू द फ्यू थिंग्स जो कि आपने सोचनी है उसके ऊपर, कि ये जो टेक्निक है सिक्स थिंकिंग हैट्स की भी, ये आईबीएम जैसी कंपनी, सैमसंग जैसी कंपनीज अपनी कंपनी के अंदर कर रहे होते हैं। वहां पे आप हम कोई भी प्रॉब्लम हमारे पास आता है तो हम ये जरूर देखते हैं कि हमारे पास चैलेंजेस क्या हैं, हम ये जरूर देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, लेकिन हम कहीं कहीं उसके ऑब्स्टिकल्स या उसकी रियलिटी को नहीं समझ पा रहे होते। और कहीं 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 बहुत अच्छी मैन्युफैक्चरिंग होती है, कहीं बहुत अच्छी सर्विसेज होती हैं, लेकिन हमें वहाँ इमोशंस को भी देखना बहुत जरूरी है हमारे लिए। ये एक सीक्वेंस वाइज स्टेप बाय स्टेप ये एक प्रोसेस है फ्रॉम व्हाइट हैट टू ब्लू हैट, जो कि हमें एक डिसीजन पे जाने के लिए हेल्प करता है कि आखिर हमारे पास कितनी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, इस पे हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या रुकावटें हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। और अब इसके अगर ये चीजें सही हो जाती हैं तो किस हद तक सही हो सकती हैं, और इससे हमें क्या क्या फायदा मिल सकता है, और इसमें हमारे इमोशंस क्या हो सकते हैं, क्योंकि हमें इमोशंस का समझना हमारे लिए जरूरी है। अगर हमने अभी एक छोटी सी एग्जाम्पल ली थी, छोटी सी एग्जाम्पल को हम देखें कितना बड़ा डिस्कशन हो गया है। अगर हम एक बड़ी प्रॉब्लम ला के रखें और इस प्रॉब्लम पे डिटेल में डिस्कस करें तो ये पूरे पूरा दिन या पूरा पूरा हफ्ता ले जाए, क्योंकि हमें ये सिर्फ सिक्स थिंकिंग हैट्स नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि एक एक बारीकी, क्योंकि अब एक एक बारीकी हम देखने बैठेंगे तो ऑब्वियसली टेक्स टाइम। तो बारीकियों के अंदर जब हम जाते हैं तो हमें पता चलता है कि एक इमोशन लेवल भी कितना मैटर करता है। एक वी आए जिसके पास चलो एजुकेशन नहीं आ रही, उसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं आ रही, एक्सेसिबिलिटीज नहीं है, लेकिन वो सोसाइटी में फिर रोल किस तरह से अदा करेगा जब वो एंग्जाइटी के अंदर है, एक स्ट्रेस के अंदर है, एक डिप्रेशन के अंदर है। अगर वो
मेंटली सही होगा तो भले उसके पास एक्सेसिबिलिटीज या मतलब और भी चीजें उसके पास इतनी ना भी हो, वो किसी ना किसी तरह अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से गुजारने की कोशिश कर रहा होगा। लेकिन ऑलरेडी एक ऐसा पर्सन जो कि जिसके ना होने की वजह से सोसाइटी के बिहेवियर्स की वजह से वो अपने आप को प्रेशर में लेके जाता है, तो ऑब्वियसली हमें एक इमोशंस को समझने का भी मौका मिलता है इन हैट्स के अंदर। ऐसे ही हमें ऑल्टरनेटिव्स, क्योंकि पाकिस्तानी एज एन पाकिस्तानी और ग्रीन हैट हमें बहुत अच्छी। यार रियली गुड क्रिएटिव एंड वी आर रियली गुड क्रिएटिव पर्सन, तो हमें क्रिएटिविटी को प्रमोट करने के लिए बताई सी बात है आपकी, उसके लिए ऑल्टरनेटिव्स होने चाहिए, उसके सब्सिट्यूट्स हमें पता होने चाहिए। अगर सब्सिट्यूट्स हमें पता नहीं होंगे तो ऑब्वियसली हम सिर्फ एक्सक्यूजेस देंगे कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास इम्पोर्ट्स नहीं है, हमारे पास लोग अवेलेबल नहीं है, हमारे पास एजुकेशन। लेकिन जहां हम चीजों के ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं, जहां हम सब्सिट्यूट ढूंढ सकते हैं, वहां हम उन एक्सक्यूजेस को एलिमिनेट कर देते हैं जो कि हमें हमारी ग्रोथ में रोकते हैं। और ब्लू हैट एट द एंड समराइज करता है, कंक्लूड करता है, और फिर एट द एंड हमें लेना होता है एक्शन कि जो कुछ हमने डिस्कस किया कि आया कि हमें सब्स्टिट्यूट की तरफ जाना चाहिए या आया कि हमें उन जो चैलेंजेस उसके अंदर हमें पता चाहिए ब्लैक हैट के अंदर, क्या उस ब्लैक हैट के चैलेंजेस को हम फेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या इतना पोटेंशियल हमारे पास है, क्या इतनी ताकत हमारे अंदर है। अगर वो है तो हम उसे आगे करें। तो ऐसे ही हम जब भी क्रिटिकली हमें थिंक करना है तो उससे पहले हमें क्रिएटिव होना जरूरी है, और क्रिएटिविटी के लिए पहले जो जो आइडियाज दिमाग में आ रहे हैं वी हैव टू राइट इट डाउन ऑन द पेपर, और राइट इट डाउन ऑन द विद द हेल्प ऑफ द स्टाइलस, और अपने कंप्यूटर पे कहीं पे भी आप डिस्कशन करें, तो उसके बाद जब आपके पास वो सारे आइडियाज आ जाएंगे। और आइडियाज कहाँ से आते हैं? सवालात से, कि अगर आप कोई भी चीज देख रहे हैं, कोई भी चीज सोच रहे हैं, कोई भी चीज आपको कमी लग रही है, कोई प्रॉब्लम लग रही है, तो आस्क क्वेश्चंस। कहीं कहीं क्वेश्चंस को दबा दिया जाता है, इसीलिए क्रिएटिविटी नहीं हो पाती। तो क्वेश्चंस पूछें, कहीं कहीं तो क्वेश्चन पूछने पे दुश्मनियां हो जाती हैं, तो क्वेश्चंस पूछने पर शर्मिंदा ना हो, और कोई अगर आपसे पूछता है तो उसको भी ना रोकें। हो सकता है कि ही इज ब्रिंगिंग समथिंग रियली गुड जो कि शायद आप उस नजरिए से नहीं तो देख पा रहे हो, तो वहां पे आपने क्या करना है कि क्वेश्चंस करने करवाने हैं, और जैसे जैसे क्वेश्चंस होते रहेंगे और तो आइडियाज खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगे। और फिर क्या होता है, फिर क्रिटिकल थिंकिंग का एक स्टेप आता है जो कि उन जैसे अभी हमने सिक्स थिंकिंग हैट्स के लिए थे, ये क्रिएटिविटी थी। ब्लू हैट क्या करता है कि अब इनको समराइज करके इनमें से फैक्ट्स निकाल के उनको यूज करेगा जो कि पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। पहले लोग क्या करते हैं, लाके फैला देते हैं, फिर हमारा क्या होता है समेटना। अगर फैलेगा नहीं तो समेटेंगे कैसे? डायरेक्टली समेटने की कोशिश करेंगे तो शायद हम सिंपली भी चीज को भी बिखेर दें। सो दिस इज इट फॉर द क्रिटिकल थिंकिंग दैट यू इफ यू वॉन्ट टू ग्रो इन द ऑर्गेनाइजेशन, इन द यूनिवर्सिटी, इन द फैमिली, इन द सोसाइटी, क्रिटिकली सोचना। ये एक फ्रेमवर्क है, ऐसे बेशुमार फ्रेमवर्क हैं जहाँ पे हम अजम्पशंस को भी देखते हैं। जहाँ पे अभी शुरू में एक बात हुई थी कि हम चीजों को अज्यूम करते हैं, फैंटिसाइज करते हैं, तो अज्यूम करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर अजम्पशंस नहीं होंगी तो कहाँ से सारी चीजें फिर आएंगी। मैं एक ट्रेनिंग में था, मैंने वहां पे एक चीज ये देखी कि बाहर के जो साइंटिस्ट हैं, जो फॉरेन साइंटिस्ट हैं, वो बच्चों को चीजों को खेलने देते हैं सही से। हम लोग यहाँ बच्चे खेलने बैठते हैं तो हम लोग उनको रोक भी देते हैं कि भाई तोड़ना देना खिलौने अपने, मारना देना किसी को। तो एक बच्चा एक गाड़ी से खेल रहा था और वहां उसने वो गाड़ी उठा के फेंकी, किसी को मारी, तो वो हवा में जाते हुए किसी को लगी। साइंटिस्ट ने ये नहीं देखा कि उसने बिहेवियर इशू है, या उन्होंने ये नहीं देखा कि किसी को लगी, बल्कि उन्होंने ये देखा कि ऐसे हम फ्लाइंग कार का भी एक कॉन्सेप्ट लेके आ सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम द थिंग्स विच आर ट्रैश, या जिसको हम स्कैप समझ रहे होते हैं, या जिसको हम बिहेवियर इश्यूज समझ रहे होते हैं, या जिसको हम एक फुलिश डिस्कशन समझते हैं, वो बड़े बड़े आइडियाज दे जाता है। तो क्रिटिकल थिंकिंग के लिए सबसे पहले क्रिएटिविटी, और क्रिएटिविटी के लिए आपको थोड़ा सा रफली सोचना होता है। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू गाइस कैन कैरी ऑन। Sir, am I audible? अच्छा Yes, you are audible. सर, आपने बात की थी कि क्रिटिकल थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉन्फ्लिक्ट, यू वुड से उनको रिजॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे बिल्कुल एक थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग, क्योंकि मैंने इन चीजों पर देखा भाला, तो कुछ एतराजात किए जाते हैं क्रिटिकल थिंकिंग पर। उन दो का मैं बस आपके सामने तस्करा करना चाहूंगा। पहली बात यह है कि मतलब कहा जाता है कि भाई, मतलब मुझे अगर कहा जाता है कि तुम रोते हो, क्रिटिकल थिंकिंग ये वो,
तो जितनी मुंह उतनी बातें, जितने मुंह उतनी बातें, इस तरह तो फिर हम कभी किसी मसले के एंड पर पहुंच नहीं सकते, या हर किसी से डिस्कशन करें या हर किसी को क्रिटिकल थिंकिंग में हिस्सा बनाएं, फिर तो हम कर बैठे काम। अच्छा, दूसरा दूसरा ये है कि कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए मैंने एटलीस्ट अपने पाकिस्तानी सोसाइटी में बहुत से लोगों को देखा है, वो क्रिटिकल थिंकिंग की बजाय ऑप्रेशन और सप्रेशन से काम लेते हैं। तो कन्फ्लिक्ट तो ऐसे रिजॉल्व हो जाते हैं कि जब वो सबका मुंह ही बंद कर देंगे तो कोई बोलेगा ही नहीं, तो कन्फ्लिक्ट कहाँ से आएगा? क्योंकि कन्फ्लिक्ट तो तब आएगा जब सबको अपनी ओपिनियन देने दी जाएगी। तो प्लीज हैव अ वर्ड ऑन दैट। ओके, थैंक यू फॉर दिस। देखें, सबसे पहले जो आपने बात की कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो होता है कि लोग जो हैं वो सप्रेस कर रहे होते हैं, ठीक है, सप्रेस लोग करते हैं, लेकिन मैंने बात वही जिक्र की कि सप्रेस करना नहीं है, क्वेश्चंस करने के लिए मौका देना है। क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन करता है आपकी चैलेंजेस पे, सॉरी आपके एफर्ट्स पे, या फिर आपकी सलाहियतों को कोई चैलेंज करता है, तो हम लोग वहाँ दुश्मनी करने लगते हैं। तो दुश्मनी हमने नहीं करनी है, हमने रिस्पेक्ट करना है। और ये कहाँ पे हो सकता है, देखें, जहां पे आप ये एक्सेप्ट करके बैठे हैं ना कि मुझे सामने वाले की नहीं सुननी, तो ऑब्वियसली वहां पे थिंकिंग का प्रोसेस नहीं होता। ये होता है जहां पे आप टीम वर्क के लिए क्या कर रहे होते हैं। अभी नई सुबह है, नई सुबह के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि बहुत स्मूथली हो जाता। और ऐसा भी बहुत ज्यादा, क्योंकि हम इंसान है और इंसान के साथ जाहिर सी बात है हर इंसान का जहन अलग है, लेकिन हम टीम एक है। तो वहां पे हमने कहीं कहीं जहां हमें कुछ फ्लॉज लगते हैं, जहां जहां हमें कुछ प्रॉब्लम्स लगती हैं, वहां हम सब मिल के बैठ के एक साथ डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमें उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे जाना होता है। जहां सामने वाला इस बात पे अड़ा हुआ है कि मुझे सॉल्यूशन चाहिए नहीं, तो वहां पर आप थिंकिंग का प्रोसेस आप नहीं चला सकते। तो ये एक्सेप्ट करना पहले जरूरी है कि आप जिसके साथ बैठ के आप बात करने वाले हो, प्रोसेस से गुजरने वाले हो, कि वो भी एक्सेप्ट करे और आप भी उसके ओपिनियंस को एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि हम अक्सर अपने ओपिनियन को हम अच्छा समझते हैं, सामने वाले को शायद हम नहीं समझ रहे होते, तो हो सकता है कि हमारा अपना ओपिनियन इतना अच्छा ना हो। दैट्स व्हाई आई सेड के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछते हैं, और क्वेश्चंस पूछना जरूरी है। चाहे आप खुद भी पूछें तो शर्मिंदा ना हो, और सामने वाला भी पूछे तो उसको रोके नहीं। हो सकता है उसके क्वेश्चन से कुछ ना कुछ आपके साथ सामने निकल के आए। हेलो, किसी और को भी सवाल है जो पूछना चाहेगा, या फिर हम इसको अभी यहाँ रैप अप कर दें, क्योंकि आई थिंक टाइम इज आई 11:30। गेस रैप अप करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर शेयरिंग योर ओपिनियंस, फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द वर्कशॉप, एंड गुड लक फॉर द टुडेज, हैव अ नाइस पार्शल डे। और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि ऐसी और वर्कशॉप भी लेके आए, और बाकी अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर हम और क्रिटिकली थिंक करें, और उम्मीद करना कि आप भी करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। Thank you, Ahmed. Thank you, Ahmed, for presenting a very good presentation, wonderful idea. और आपका बहुत अच्छा रहा, सारा एक्सप्लेनेशन भी और तमाम लोगों का पार्टिसिपेशन भी, उन बच्चों का भी जिन्होंने बहुत अच्छे से एक्टिविटी पार्टिसिपेट किया। तो थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।